तो बेसिकली आज जैसा टॉपिक है मुगल इकोनॉमी, तो हमें मुगल इकोनॉमी के बारे में बेसिकली पढ़ना है। और मुगल इकोनॉमी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले कुछ कुछ जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा होगा बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और आपने पढ़ा होगा तुगलक वंश में, तुगलक डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली कुछ कुछ काम जो है स्टार्टिंग में ही हो चुके हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है बेसिकली, अगर मुगल कालीन अर्थव्यवस्था की हम बात करें, तो उसकी बहुत सारी चीजें जो है वो जो पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया है या बाद में जो तुगलक डायनेस्टी में हुआ है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर हम आगे मुगल अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो बेसिकली इसके स्रोत पर हम जाते हैं, इसके सोर्सेस क्या है बेसिकली। तो अबुल फजल की आईने अकबरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एक तरीके से, क्योंकि इस जो ये आईने अकबरी है इसमें हमें बहुत सारे क्रॉप्स और जो फसल है क्या क्या उगाया जाता था, और क्या क्या वेजेस थे उस टाइम पर, प्राइस क्या क्या थे, और रिवेन्यू जो उस टाइम पर होते थे, तो उसकी हमें बेसिकली जानकारी जो है अबुल फजल की आईने अकबरी से बेसिकली मिलती है। अगर हम थोड़ा, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ स्लाइड में भी, जो मुगल अर्थव्यवस्था है तो इसका जो स्रोत है वो आईने अकबरी है, और उसके साथ साथ और भी सोर्सेस हैं जहां से हमें पता चलता है बेसिकली मुगल साम्राज्य के बारे में कि उसकी अर्थव्यवस्था बेसिकली कैसी थी। जैसे बहुत सारे सरकारी दस्तावेज हैं, राजस्व संबंधी जो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे हमें मिले हैं मुगल साम्राज्य के, और ऐसे ही एक मदद ए माश है, मदद ए माश में भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। और बहुत सारे एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि जब मुगल साम्राज्य था, ठीक है, तो तभी जो है यूरोपियन जो लोग थे वो भारत में आए थे। जैसे हम सबसे पहले बात करें तो पोर्तुगीज जो पुर्तगाली बेसिकली भारत में आए थे, पुर्तगालियों के बाद लोग भारत में आए थे, उसके बाद इंग्लिश लोग यानी कि ब्रिटेन के लोग भारत में आए थे, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि फ्रेंच के लोग बेसिकली फ्रांस के लोग भारत में आए थे। तो बेसिकली वहां के जो इतिहासकार थे, बेसिकली यूरोपीय जो इतिहासकार थे, तो उनका भी बहुत सारा हमें वर्णन मिलता है, जिसके आधार पर हम मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की जो है जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो बेसिकली अगर हम मुगल अर्थव्यवस्था की बात करें, तो मुगल अर्थव्यवस्था में ऑब्वियसली कृषि जो था, एग्रीकल्चर उस टाइम पर प्राइमरी सेक्टर था, और कृषि बहुत बड़ा एक तरीके से अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। और उस टाइम पर बोला जाता है कि 15% जो लोग थे तो वो लगभग कृषि करते थे। तो कृषि को हम देखेंगे बेसिकली यहाँ पर, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें पढ़ना बेसिकली क्या क्या है यहाँ पर। तो कृषि में हमें बेसिकली भूमि लैंड के बारे में पढ़ना है, फिर जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते थे खेती से, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कृषि उत्पाद के बारे में हमें पढ़ाई करनी है, और उसके बाद जो किसान थे, किसान वर्ग की जो हालत थी वो कैसी थी, किस तरीके के किसान थे, उनके बारे में हमें बेसिकली मुगल इकोनॉमी में पढ़ना है। साथ ही साथ सिंचाई के क्या क्या साधन थे, अगर खेती होती थी तो सिंचाई के भी साधन होंगे, सिंचाई किस तरीके से होती थी उस टाइम पर, क्या सरकार मदद करती थी सिंचाई के लिए, क्या कुएं थे उस टाइम पर या झीलों से सिंचाई होती थी, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे भू राजस्व के बारे में, किस तरीके के जो जमीन थी उस पर किस तरीके के टैक्स लगते थे, तो उसकी भी हमें जानकारी इकट्ठी करनी है। साथ ही साथ उद्योग धंधों की अगर बात करें, तो मुगल साम्राज्य में अगर मुगल काल की हम बात करें इंडस्ट्री के तौर पे, तो इंडस्ट्री काफी ज्यादा विकसित हो चुकी थी तब तक, और भारत में बेसिकली बहुत सारे चीजों का भारत में उत्पाद होता था। और आप अभी इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जो आज के टाइम पर अमेरिका है, वो बोला जाता है कि अभी जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विकसित कंट्री है, और लगभग 19 से 20% जो है वर्ल्ड जो जीडीपी है तो उसका जो है अमेरिका में लगभग 20% 19% के आसपास है। तो उस टाइम की अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य में उस टाइम पर पूरे विश्व की जो इकोनॉमी थी यानी कि पूरे विश्व की जो जीडीपी थी, तो उसका लगभग 22 से 25% यानी कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जो थी पूरे वर्ल्ड की, एक तरीके से मुगल अर्थव्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। तो उद्योग धंधों की बात करेंगे, तो उद्योग धंधों में भी हमें बहुत सारे उद्योग धंधों को देखने को मिलता है, जैसे सूती वस्त्र का यहाँ पर बहुत ज्यादा काम होता था, साथ ही साथ रेशम के वस्त्रों का भी बहुत ज्यादा काम होता था, चमड़ा, और भी बहुत सारे उद्योग धंधे थे, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी इकट्ठी करनी है। साथ ही साथ जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री थी, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट होते थे, तो
ऑब्वियसली व्यापार भी होता ही होगा, तो व्यापार होता था उस टाइम पर, बहुत अच्छा व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार के केंद्र थे, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड भी मुगल साम्राज्य में भारत से होता था। तो बेसिकली आयात और निर्यात भी हम इसी में पढ़ लेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरीके से बाहर से जो जो चीजें आती थी उसके बारे में जानकारी लेंगे, और यहाँ से जो जो जाता था जो जो सामान यहाँ से भारत से बेसिकली जाता था विदेश में, तो उसकी भी हमें जानकारी लेनी है। साथ ही साथ अगर हम देखें मुगल साम्राज्य में, तो मुगल साम्राज्य में बेसिकली जो उस टाइम पर शहर थे, ठीक है, शहरों का विकास हो रहा था। शहरों का विकास इसलिए हो रहा था क्योंकि उस टाइम पर इकोनॉमी अपने आप में अच्छी होती जा रही थी, ठीक है। तो किस तरीके से शहरों का अर्बनाइजेशन हुआ, किस तरीके से जो छोटे गांव थे वो कस्बे में तब्दील हुए, कस्बे से बड़े बड़े शहर बने, तो इसके बारे में भी हमें देखना है थोड़ा सा। उसके बाद हम कर व्यवस्था की बात करेंगे, टैक्सेशन की बात करेंगे बेसिकली, कि किस तरीके से टैक्सेशन जो था वो मुगल साम्राज्य में लिया जाता था और उसके क्या क्या टूल्स थे कर एकत्रित करने के, इकट्ठा करने के। उसके बाद हम थोड़ा सा मुद्रा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, सिक्कों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे मुगल साम्राज्य के, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कृषि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में जो जो चीजें जो जो टूल्स हैं, भूमि, कृषि उत्पाद, कृषक वर्ग, सिंचाई, भू राजस्व, तो एक एक करके इन सारी चीजों पर हम दृष्टि डालते हैं बेसिकली, जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगर हम भूमि की बात करें, मुगल साम्राज्य में भूमि जो थी वो चार तरीके से बेसिकली भूमि को डिवाइड किया हुआ था। अगर हम बात करें, मैंने आपको एक तरीके से एक स्क्वायर की शेप में मैंने बना के दिखाया था, उसके बनाकर दिखाया हुआ है, और उसके जो चारों कॉर्नर हैं उस पर मैंने जो उस टाइम की लैंड थी तो उसके बारे में आपको दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम पॉलेज की बात करते हैं, फिर पड़ती की बात करेंगे, फिर चाचर और बंजर। तो बेसिकली चार भागों में जो है वो अकबर के टाइम पर भूमि का विभाजन किया गया था। तो देयर वर फोर काइंड्स ऑफ लैंड दैट टाइम। सबसे पहले पॉलेज की बात करते हैं, तो पॉलेज ऐसी खेती होती थी, ऐसी जमीन होती थी बेसिकली जहां पर हर वर्ष खेती होती थी। कहने का मतलब यह है कि पोलज जो थी वो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी जहां पर पूरे वर्ष खेती होती थी। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आज के टाइम पर रबी और खरीफ की फसलें होती हैं, रबी और खरीफ की फसलों का मतलब ये है कि पूरे वर्ष जो है हम लोग के जहां पर उपजाऊ जमीन होती है तो वहां पर बेसिकली पूरे वर्ष जो है कुछ ना कुछ उगता है। जैसे गेहूं, गेहूं की कटाई के बाद हम चावल को उगाते हैं, सरसों जो है वो गेहूं के साथ साथ उगता है। तो रबी और खरीफ की फसल हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो पोलज जो भूमि थी उस पर रबी और खरीफ की फसल जो है पूरे वर्ष पर उगाई जाती थी। पूरे वर्ष पर इसलिए यहाँ पर चीजें उगती थी क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये जो जमीन थी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम जो भूमि थी, भूमि का जो प्रकार है वो पड़ती थी, और जो पड़ती भूमि थी तो पड़ती भूमि पर थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि हम जैसे पोलज से पड़ती पर जाएंगे, पड़ती से चाचर, चाचर से बंजर, तो उर्वरक जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरकता है भूमि की वो कम होती जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो पड़ती भूमि है, पड़ती भूमि पर जो है बेसिकली एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि हमेशा खेती नहीं होती थी, थोड़ा टाइम छोड़कर जैसे एक वर्ष छोड़ के इस पर खेती होती थी, और जो एक वर्ष छोड़ा जाता था वो इसलिए छोड़ा जाता था ताकि जो है भूमि की उर्वरकता है, जो फर्टिलिटी है वो दोबारा से वापस आ जाए, और जब दोबारा से उस पे फसल उगाई जाए तो अच्छा हमें पैदावार, अच्छा हमें प्रोडक्शन मिले। तो बेसिकली अब चाचर की बात करते हैं, तो चाचर की भी मैंने आपको बताया कि चाचर जो होगी वो पड़ती से भी कम उर्वरक होगी, कम फर्टाइल होगी। तो बेसिकली जो चाचर भूमि है, चाचर भूमि पर और लंबे गैप के बाद भूमि, इस भूमि पर बेसिकली फसलों को उगाया जाता था यानी कि कृषि की जाती थी। तो लगभग 3 से 4 वर्षों के अंतराल पर जो है चाचर भूमि पर खेती होती थी, ऐसा आप याद रखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने लिखा है बंजर, बैरन लैंड। तो बैरन लैंड की बात करते हैं, तो बैरन लैंड पे ऐसे समझ सकते हैं कि बंजर भूमि, तो आपको पता है कि बंजर भूमि पर वैसे भी कुछ उगाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम पर जो बंजर भूमि थी तो उस पर भी उगाना बहुत मुश्किल था, कोई भी फसल लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अगर कहीं खेती होती भी थी तो लगभग 4 से 5 या उससे ज्यादा टाइम का जो है वो गैप रहता था, और इतने टाइम के टाइम पीरियड बाद, इतने अंतराल बाद बेसिकली बंजर भूमि पर अगर खेती होती थी तो 4 से 5 या उससे ज्यादा साल बाद खेती होती थी। तो इस तरीके से हम देखेंगे चार
तरीके से भूमि का वर्गीकरण किया गया है, भूमि को बांटा गया है अकबर के टाइम पर। तो पहला पोलज, पोलज बहुत उपजाऊ थी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पूरे साल भर खेती होती थी। उसके बाद परती, परती पर एक साल छोड़कर खेती होती थी बेसिकली। और जो चाचर है, चाचर पर लगभग मैंने बताया 3 से 4 वर्ष छोड़कर खेती होती थी। और बंजर, बंजर पे 4 से 5 या उससे ज्यादा वर्ष का अंतराल रखते हुए बेसिकली खेती होती थी। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने जो भूमि है, जो लैंड है, उसके किस जो प्रकार है वो किस तरीके का प्रकार है। ठीक है ना, अगर हम बेसिकली क्वालिटी की बात करें कि कौन सी भूमि सबसे ज्यादा अच्छी होगी, क्वालिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस पे होगा, मैंने आपको अगले फिगर में जो ट्रायंगल है उसमें भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो बेसिकली अगर मैं पहले डायग्राम से देखने की कोशिश करूं तो आपको पता चलेगा कि जो बैरन लैंड है वो तो क्वालिटी में, उसका तो कोई क्वालिटी नहीं है, तो इसलिए मैंने वहां पर क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। और पोलज पर मैंने 3 राइट साइन लगाए हुए हैं, यानी कि पोलज जो है वो सबसे ज्यादा क्वालिटी वाली है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो उस टाइम पर क्वालिटी के हिसाब से भी भूमि को जो है वो 3 तरीके से ही रखा जाता था, यानी कि आप जो है पहले डायग्राम में बंजर को हटा दीजिए तो बाकी जो है आपको 3 तरीके की भूमि दिखाई देगी। तो क्वालिटी के आधार पर केवल हम उन 3 तरीके की भूमि को देखेंगे। तो सबसे उत्तम क्वालिटी की कौन सी होगी, वो आपको पता है पोलज होगी, फिर मध्यम क्वालिटी की परती होगी, और जो निम्न क्वालिटी की भूमि होगी वो चाचर होगी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे भी बताने की कोशिश करी है, पोलज जिस पर प्रतिवर्ष खेती हो, परती 1 वर्ष छोड़कर, चाचर 3 से 4 वर्षों के बाद खेती होती थी, बंजर 4 से 5 वर्षों या उससे अधिक के बाद खेती होती थी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो किस तरीके के थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, यानी कि खेती में हमें किस किस चीजों की उपज हमें मिलती थी, किस किस चीजों को हम आसानी से उगा पाते थे, तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में भी एक्चुअली आयने अकबरी से हमें काफी कुछ पता चलता है। और आयने अकबरी में रबी, रबी मतलब जो बसंत ऋतु में, और जो खरीफ है वो शरद ऋतु में, तो बेसिकली 2 फसलों का हमें जिक्र मिलता है, रबी, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो रबी की फसल जो है वो उसमें बताया गया कि 16 तरीके की फसल जो होती थी वो रबी के, रबी जो बेसिकली बसंत ऋतु है तो उसमें होती थी, और लगभग 25 तरीके की जो फसलों का जिक्र मिलता है वो खरीफ की फसलों का मिलता है। ठीक है, हमें कहाँ से मिलता है, जो हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो उसमें लिखा हुआ है, बेसिकली जो राजस्व का लेखा जोखा है, तो राजस्व के लेखा जोखा जो था उसमें ही इन सब सारी चीजों का जिक्र है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रबी की फसल क्या होती है, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे कि रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है। तो बेसिकली रबी की फसल वो फसल होती है, यानी कि जब अक्टूबर नवंबर के टाइम पर कोई खेती स्टार्ट करी जाती है, कोई बीज बोया जाता है, ठीक है, और उसको जो है हम लगभग मई जून, जून के आसपास उस चीज को हम काटते हैं या उस फसल को हम लेते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में ये खेती स्टार्ट होती है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे रबी की फसलों में बेसिकली आता है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, इस तरीके की खेती होती है। और खरीफ की फसलों में आप देखोगे तो खरीफ की फसल बेसिकली जो होती है थोड़ी ह्यूमिड, और जब थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपकी खरीफ की फसल होती है। तो बेसिकली खरीफ की जो फसल होती है उसका टाइम पीरियड जो स्टार्ट होता है जब उसको बुआ जाता है, तो वो टाइम होता है, यानी कि आपको पता होगा कब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, कब टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली जून और जुलाई का जो टाइम है उसमें टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। तो खरीफ की फसल का जो टाइम होता है वो जून जुलाई में ही उसको बोया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसका जो एग्जाम्पल है जो खरीफ की फसल का है वो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, जूट, ये सारी जो फसलें हैं ये आपकी खरीफ की फसलों में आती हैं। बहुत सारे खाद्य पदार्थ थे जो आपके, जो आपके एटेबल प्रोडक्ट्स थे, काफी ज्यादा उस टाइम पर उगाए जाते थे, गेहूं, चावल, बाजरा, दाल, ये बेसिकली मेन रूप से जो था इनकी खेती हर जगह होती थी, मतलब कोशिश करते थे उस टाइम के किसान की इन चीजों की खेती करें। साथ ही साथ नील की भी उस टाइम पर खेती की जाती थी। आगरा के पास बयाना एक जगह है, बयाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह बन गया था मुगलों के टाइम पर, क्योंकि वहां पर नील की खेती होती थी। ऐसे ही गुजरात में एक सरखेज जगह है, सरखेज भी एक बहुत बड़ा हब था नील की खेती का, वहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था नील का, तो नील की भी खेती होती थी।
और नील का बेसिकली हम आगे देखेंगे तो इन सारी चीजों का जो है एक्सपोर्ट भी होता था, बाहर के देशों में ये सारी चीजें जाती थी। अगर हम तंबाकू की, टोबैको की बात करें तो बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे। तो जो भारत में तंबाकू की खेती स्टार्ट करी है तो बेसिकली पुर्तगाली लोगों ने ही स्टार्ट कराना उसको शुरू किया यहाँ पर, यानी कि मुगल साम्राज्य में, मुगल काल में जो तंबाकू की खेती होती थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी, वो पुर्तगालियों से इन्फ्लुएंस होके की जाती थी। और उसी टाइम पर अमेरिका से मक्का की खेती को यहाँ पर प्रोत्साहन मिला था। भारत में जो मुगल साम्राज्य में मक्का की खेती होती थी वो अमेरिका से मक्का यहाँ पर आया था तो उसकी खेती होती थी। और ये जहांगीर के समय में बेसिकली बड़े लेवल पर तंबाकू और मक्का की खेती को भारतीय अर्थव्यवस्था में या मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया था, ऐसा आप याद रखेंगे। ओके, उसके बाद जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो साथ ही साथ हम कैश क्रॉप्स की भी बात करते हैं, नकदी फसलों की बात करते हैं। इनको नकदी फसलों को तिजारती फसलें भी बोला जाता है बेसिकली, जो हमें बहुत तेजी से पैसा देती हैं, हमारी इनकम को बढ़ाती हैं। तो बेसिकली जिन फसलों पर अधिक दर पर मालगुजारी नकद रूप में अदा करनी होती थी, यानी कि नकद रूप में जो है इनका टैक्स देना होता था, तो उन फसलों को, जिन फसलों को फसलों का उत्पादन भी अधिक होता था और उनका टैक्स भी ज्यादा लगता था और नकद रूप से बेसिकली दिया जाता था, ऐसी फसलों को तिजारती फसलें या नकदी फसलें कहते थे। जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, नील हो गया, रेशम हो गया, सिल्क, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी नकदी फसलों में आती थी। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम कोशिश करते हैं कि उस टाइम के मुगल कालीन किसान जो थे, जो पीसेंट थे, वो किस तरीके के, जो फार्मर थे, उनकी कंडीशन क्या थी और किस तरीके से उनको बेसिकली मुगल साम्राज्य में बांटा गया था, तो ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसानों को बेसिकली तीन तरीके से बांटा गया था। जो कृषक वर्ग था बेसिकली तीन वर्गों में वो विभाजित था, और मैंने ट्रायंगल ट्रायंगल से आपको दिखाने की कोशिश करी है। सबसे पहले खुद काश्त किसान थे, और दूसरे नंबर पे आपके आते थे पाही काश्त, और तीसरे नंबर पर मुजारियान। ठीक है, तो तीन तरीके के किसानों का वर्णन हमें मिलता है, देखने को मिलते हैं। एक कृषक कृषक जो वर्ग था या पीजेंट थे वो तीन तरीके के होते थे। जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं ना कि भाई ये बड़ा किसान है, ये जमींदार है, तो बहुत बड़ा, इसके पास ज्यादा खेती है। ठीक है, या भाई बोला जाता है कि भाई इसके पास तो खेती नहीं है। आज के टाइम पर भी होता है कि भाई ये तो बटाई पर खेती करता है। तो इस तरीके से उस टाइम पर भी किसान थे। तो खुदकाश्त के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, खुदकाश्त कैसे किसान हुआ करते थे। तो खुदकाश्त बेसिकली ऐसे किसान थे जो अपने ही गांव की जमीन पर, मतलब जहां पर, जिस गांव में उनका घर होता था, तो उसी गांव में उनके पास खेत होते थे और खेती युक्त जो है जमीन होती थी। तो बेसिकली आप ऐसा जानेंगे जो अपने ही गांव में खेती करते थे, तो उनको खुद कास्त बोला जाता था। खुद मतलब आपको पता है, खुद कास्त का खुद का मतलब भी आपको पता है कि खुद क्या होता है। तो बेसिकली जो ये खेती होती थी, इस प्रकार की जो खेती होती थी उस पर जो है उनका एक तरीके से स्थायी अधिकार था, वंशानुगत अधिकार था, और वंशानुगत उनका स्वामित्व था। तो इसलिए क्योंकि वो वंशानुगत था, ठीक है, हेरिडिटी था वो। अगर कोई फादर मतलब मान लिया मेरा फादर खुद कास्ट है तो मैं बेटा भी क्या होगा, वो भी खुद कास्ट होगा, उसको भी वही जमीन मिल जाएगी खेती करने के लिए, ऐसा जानेंगे। दूसरे नंबर पे पाही कास्ट है। पाही कास्ट बेसिकली ऐसे किसान थे जिस गांव में वो लोग रहते थे, उस गांव में उनके पास खेती के लिए जमीन नहीं होती थी, वो किसी दूसरे गांव में जाके खेती करते थे। ठीक है, तो किसी दूसरे गांव में जाकर वो बटाई पर खेती करते थे, और बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो परमानेंट खेती नहीं थी उनके पास, अस्थायी रूप से जो है वो दूसरी जगह जाकर खेती करते थे, तो उनको पाही कास्ट बोलते थे। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका आता है मुजारियान। तो मुजारियान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुजारियान इस तरीके से समझेंगे कि मुजारियान जो किसान थे तो उनके पास जो है जमीन नहीं होती थी, वो बेसिकली किराए की जमीन पर ही क्या करते थे, खेती करते थे। मान लिया कोई खुदकाश्त है, उसके पास जमीन है, खुदकाश्त का पता ही है आपको कि अपने ही गांव में खुदकाश्त किसान के पास जमीन है। तो बेसिकली जो मुजारियान किसान है, ठीक है, तो उनके पास तो खेती है नहीं, खेती युक्त जमीन नहीं है, तो वो खुदकाश्त की जमीन को जो है किराए पर लेते थे और उस पर वो खेती करते थे, बटाई पर या किसी भी तरीके से। तो
इस तरीके से हम देखेंगे कि जो सबसे उस टाइम पर जो सबसे एक तरीके से बिना खेती वाले किसान थे, यानी कि जिनके पास खेती की जमीन नहीं थी, तो वो मुजारियान ही थे, और मुजारियान जो थे वो किराए पर खेती करते थे। ओके, उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ के हम देखेंगे सिंचाई व्यवस्था, कि उस टाइम पर सिंचाई व्यवस्था कैसी थी। तो बेसिकली अगर सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो सिंचाई व्यवस्था अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर जो है हमारा वो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर से हमारे पास रिवेन्यू भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मुगल काल में जो है आपने देखा होगा कि मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि जो खेती है वो बहुत ज्यादा होती थी, तो खेती के लिए ऑब्वियसली सिंचाई का होना भी बहुत जरूरी है। इरीगेशन सिस्टम अपने आप में स्ट्रांग हो तो खेती भी क्या होगी, वो अच्छी होगी। जो बंजर लैंड होगी या जो जैसे चाचर जमीन है, चाचर जमीन को भी हम अच्छा बना सकते हैं, परती को भी हम पोलज की तरह यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास अच्छा इरिगेशन होगा। तो बेसिकली सिंचाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सिंचाई व्यवस्था उस टाइम पर दो तरीके से देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं तो ऐसे देखेंगे कि जो व्यक्तिगत रूप से बहुत लोग अपने से ही मतलब सिंचाई करते थे, और कहीं ना कहीं जो मुगल साम्राज्य था, जो मुगल बादशाह थे, जो सरकार थी, तो वो कहीं ना कहीं सिंचाई का प्रबंध करती थी। तो बेसिकली दो तरीके से हम सिंचाई को देखने की कोशिश करेंगे, सरकार द्वारा बाई गवर्नमेंट, और दूसरा व्यक्तिगत रूप से बाई इंडिविजुअल। ठीक है, पहले इंडिविजुअल की हम बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि लोग अपने से ही कर रहे हैं, जो आपका बेसिकली सिंचाई है वो अपने से ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली एक जो उस टाइम पर हमें एक जो ग्रंथ है बेसिकली तुजुके बाबरी है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि भारत में जो है मुगल साम्राज्य में रहट का प्रयोग होता था कृषि के लिए। ठीक है, रहट एक व्हील टाइप का होता है, एक पहिया टाइप का होता है, और उसपे जो है बकेट जो है वो बंधी होती है, बकेट टाइप का बॉक्स होता है वो बंधा होता है, और वो बैलों से उस टाइम पर चलाया जाता था, और बैलों को घुमा के या आ, आ, ऐसा बोल सकते हैं कि जो छोटे रहट थे वो लोग आपस में भी चला लेते थे। तो बेसिकली जो पहिया होता था वो नीचे जो है उसका संबंध जो होता था, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, वो किसी तालाब से होता था या कोई कुएं से होता था, झील से होता था। तो वहां से क्या होता था, वहां से पानी नीचे निकलता था, वो जैसे जैसे घूमता था तो वो पहिया घूमते घूमते पानी को अपने साथ लेके आता था। तो ये भी एक बहुत आ, आ, एक तरीके से बड़ा साधन था इरिगेशन का। इसका जिक्र हमें तुजुके बाबरी में मिलता है। साथ ही साथ इंडिविजुअल लेवल पर उस टाइम पे काफी सारे पोन्ड्स थे, काफी सारी लेक्स थी। जैसे हम मुगल साम्राज्य की बात करें, लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी की बात करें, तो मेवाड़, मेवाड़ जो राजस्थान में है, वहां पर बहुत सारी झीलों का निर्माण कराया गया था, आर्टिफिशियल लेक्स बनी थी वहां पर। और वो क्यों बनी थी, वो एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनी थी, कि वहां की जो जमीन है वो थोड़ी बंजर से, यानी कि बंजर जमीन पर भी क्या किया जा सके, क्या किया जा सके, खेती की जा सके। तो साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो उस टाइम पर कुएं भी थे, वेल भी थे, और साथ ही साथ जो होज होती थी बेसिकली, जैसे जो आपका सीजनल जो आपकी बारिश होती है तो उसका जो पानी है वो बड़ी बड़ी होज जो होती थी उनमें भर दिया जाता था, फिर बाद में उसका जो यूज किया जाता था वो भी इरिगेशन के रूप में किया जाता था। तो बेसिकली ये तो हमने देखा कि व्यक्तिगत रूप से किस तरीके से जो लोग थे वो खेती करते थे। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं हम, कि जो सरकारी प्रबंध था, सरकार ने सिंचाई के लिए क्या-क्या प्रबंध किया हुआ था, सरकार किस तरीके से सिंचाई में लगी हुई थी, उसका थोड़ा जिक्र करते हैं। तो अगर हम सरकार की मोटे तौर पे बात करें तो सरकार जो था उस टाइम पर मुगल साम्राज्य जो था, मुगल सम्राट जो थे बेसिकली, वो नहरों द्वारा बेसिकली सिंचाई कराने पर जोर देते थे। अगर हम नहरों की सिंचाई की बात करें तो सबसे पहले आपने तुगलक वंश में देखा होगा, तुगलक वंश में स्टार्टिंग में ही बेसिकली आप देखोगे गयासुद्दीन तुगलक जो है वो भी नहर बनवाता है। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक जो लास्ट शासक है, फिरोज शाह तुगलक ने तो काफी सारी नहर बनवाई है। यानी कि तुगलक डायनेस्टी ने जो कृषि है और कृषि के साथ साथ जो सिंचाई व्यवस्था है उसको काफी ज्यादा स्ट्रोंग करने की कोशिश करी है। ठीक है, और हमें देखने को मिलता है कि जो तुगलक डायनेस्टी है, तुगलक वंश, बेसिकली दिल्ली सल्तनत की मैं बात कर रहा हूँ, तो तुगलक डायनेस्टी में जो फिरोज शाह तुगलक है, तो उसने बेसिकली चार नहरों का निर्माण कराया था। चार नहरें उस टाइम पर बनी हुई थी, तो एक नहर जो थी वो सतलज नदी पर, एक घग्गर नदी पर, और दो जो थी
वो यमुना नदी से निकाली गई थी। तो चार नहरें उस टाइम पर थी ऑलरेडी भारत में। तो बेसिकली जो आपके तुगलक हैं यानी कि जो दिल्ली डायनेस्टी है, वो तो आपको पता ही है कि मुगलों के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो मुगलों के टाइम पर भी वो नहरें रहेंगी, ठीक है। तो उन नहरों का जो यूज होगा वो मुगल साम्राज्य में भी होगा, मुगल काल का जो इरिगेशन होगा, सिंचाई व्यवस्था होगी, उसमें भी जो तुगलक डायनेस्टी की, तुगलक वंश की जो नहरें बनी हुई हैं, उनका भी यूज जो है मुगल काल में होगा, मुगल साम्राज्य के जो शासक होंगे वो करेंगे। तो इन नहरों का भी प्रयोग क्या होता था, वो होता था उस टाइम पर इरिगेशन में। साथ ही साथ जो शाहजहां है, शाहजहां को आपने देखा होगा जब आपने स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि शाहजहां ने बहुत सारा निर्माण कार्य कराया है भारत में, ठीक है। तो शाहजहां ने बेसिकली नहरें भी बनवाई हैं, और दो नहरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नहर ए फैज और नहर ए शहा, ठीक है। दो नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहर ए फैज जो थी वो रावी नदी पर और बेसिकली लाहौर तक थी, 98 मील का डिस्टेंस ये कवर करती थी, और साथ ही साथ दूसरी नहर थी नहर ए शहा, लगभग 60 मील का जो डिस्टेंस थी वो ये कवर करती थी। और बेसिकली फिरोज शाह ने इसको स्टार्टिंग में बनवाया था, और शाहजहां ने जो है इसकी मरम्मत कराई थी, इसको थोड़ा सा बढ़ाया था और इसको दोबारा से जो है सिंचाई योग्य बनाया था। तो शाहजहां ने भी काफी ज्यादा काम किया है सिंचाई के ऊपर, ऐसा आप जानेंगे। तो बेसिकली हमने सिंचाई में भी देखा कि सिंचाई किस तरीके से हो रही है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से रहट का लोग यूज कर रहे हैं, तालाब, झील, कुएं, हौज का यूज कर रहे हैं, और सरकार द्वारा जो है नहरों की व्यवस्था भी कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम थोड़ा सा, क्योंकि हम लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें जो लैंड रिवेन्यू है, भू राजस्व है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। 1 मिनट का रेस्ट लेता हूं। ओके, तो भू राजस्व की बात करते हैं। भू राजस्व में सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्व का जो टूल्स थे, मतलब राजस्व राजस्व जो था, जो रिवेन्यू था, वो कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो सकता था। तो बेसिकली दो तरीके से इसको जानने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम पर केंद्रीय आय के स्रोत भी थे कुछ और स्थानीय स्रोत भी थे, ठीक है। मतलब भू राजस्व के केंद्रीय आय के स्रोत भी थे और स्थानीय स्रोत भी थे, जिनके द्वारा भू राजस्व जो है कलेक्ट किया जाता था। सबसे पहले अगर हम भूमि कर की बात करें, लैंड रिवेन्यू की बात करें, तो उसके लिए भूमि का बंटवारा कैसे किया जाता था, इसके बारे में हम थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया होगा, जब आपने मनसबदारी पढ़ा होगा, उसके साथ साथ में आपने जागीर भूमि, जागीरदारी भी पढ़ा होगा और जमींदारी भी पढ़ा होगा, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम भूमि बंटवारे के लिए भूमि की बात करें, तो सबसे पहले खालिस्ता भूमि की बात करेंगे। खालिस्ता भूमि ऐसी भूमि होती थी जिसको बेसिकली शाही भूमि बोला जाता था, और इससे जो बेसिकली इस पर जो टैक्स लगता था, इससे जो रिवेन्यू आता था, वो सीधे जो है वो शाही कोषागार में जाता था, ठीक है। एक तरीके से मतलब जो आपका सेंट्रल ट्रेजरी थी, जो शाही खजाना था, वो सीधे ही उसमें जाता था। और जो जागीर भूमि थी, तो आपको पता होगा जो जागीरें थी उस टाइम पर किसको दी जाती थी, ठीक है। तो जागीरें बेसिकली मनसबदारी प्रथा, आपने पढ़ा होगा, जो बड़े बड़े मनसब लेते थे। मनसब क्या होता था, मनसब पद होता था या ओहदा होता था, रैंक होती थी बेसिकली उस टाइम पर। तो उनको जागीर दी जाती थी, जो मनसबदार होते थे उनको बेसिकली जागीर दी जाती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कर वसूल करने की भी जिम्मेदारी उनके पास होती थी। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक तरीके से खालिशा भूमि हो गई, दूसरी जो भूमि हुई खालिशा भूमि पर शाही भूमि है, वो उस पर सीधे जो अधिकार है या जो सीधे जो टैक्स है वो शाही खजाने में जाएगा। और जो जागीर भूमि है, जागीर भूमि पर जो कर वसूल करने का अधिकार है, तो जिनको वो जमीन दी गई है, जागीर भूमि जिनके पास है, जिनको दी गई है मुगल सम्राट ने, जिनको वो जागीर दी है, जो वो सरदार है, जो वो मनसबदार है, या जो वो व्यक्ति है जिनको वो जागीर भूमि दी गई है, तो वही क्या करते थे, वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भूमि पर जो है उनका कोई अधिकार नहीं होता था। तीसरी जो भूमि है वो है मदद ए माश, या इसको सयूर गाल भी बोलते हैं। तो बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि उस टाइम पर जो जो विद्वान लोग थे, ठीक
ठीक है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे जो राजा की मदद करते थे, या बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है, तो उनको क्या एज ए गिफ्ट वो दी जाती थी, अनुदान के रूप में बेसिकली दी जाती थी। और एक तरीके से ये जमीन वंशानुगत थी, और इस पर जो है जो टैक्स है उसका वो नहीं लिया जाता था, ऐसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जब हम राजस्व की बात कर रहे हैं तो हमें जाप्ती या जाप्ती ए हरसाला प्रणाली के बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि मुगल साम्राज्य में बेसिकली मुगल जो सम्राट हैं, तो मुगल सम्राट जो पीछे हो चुकी हैं अच्छी अच्छी चीजें, तो उनको वो अपने साम्राज्य में मतलब मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे उसकी मार्केट पॉलिसी थी और भी बहुत कुछ था, तो बेसिकली वो हमें देखने को मिलता है थोड़ा बहुत यहाँ पर। जैसे हम आगे पढ़ेंगे जो बिरसा है या बीघा, जो भूमि नापने की जो प्रणाली है जो अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट करी थी, वो हम देखेंगे मुगल सम्राट भी उसी प्रणाली को लेके आते हैं और उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करते हैं। तो ऐसी ही एक जाप्ती प्रणाली थी, जाप्ती प्रणाली जो स्टार्ट करी थी वो बेसिकली शेरशाह सूरी ने उसको स्टार्ट किया था। और शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड जो है वो आपको पता है कि बेसिकली जो बाबर है, ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं जो होते हैं वो बाबर के बेटे होते हैं। तो हुमायूं और जो शेरशाह सूरी हैं वो दोनों क्या है, कंटेम्प्रेरी हैं, वो दोनों समकालीन हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद में क्या हुआ था कि हुमायूं को जो है भगा दिया था, और हुमायूं जो है वो सिंध और पंजाब के एरिया में जाके रहा था, और शेरशाह ने जो है दिल्ली पर शासन किया था, शेरशाह ने पुराना किला और बहुत सारी चीजें बनवाई हैं। तो बेसिकली शेरशाह ने काफी ज्यादा काम किया है भूमि को लेकर भी। तो बेसिकली जो जाप्ती प्रणाली थी वो उसकी जो शुरुआत की थी वो शेरशाह सूरी ने ही की थी, और अकबर जो है वो शेरशाह सूरी का जो जाप्ती प्रणाली है वो मुगल काल में उसको वो लेके आते हैं। और बेसिकली इसमें जो है भूमि उत्पादन का जो है 1/3% 1/3 भाग बेसिकली लिया जाता था। ठीक है, और बेसिकली कैसे लिया जाता था, तो बेसिकली जो जाप्ती जाप्ती हरसाला जो प्रणाली थी, तो इसमें जो आपका बेसिकली प्रोडक्शन होता था, तो उसकी जो किस्म थी वो प्रोडक्शन कैसा हुआ है उसके आधार पर जो है कर वसूला जाता था। ठीक है, साथ ही साथ बटाई या गल्ला बख्शी का भी जिक्र करेंगे, तो बटाई में या गल्ला बख्शी में भी जो है उपज का 1/3 भाग जो है वो लिया जाता था, और उस पर जो है स्टेट यानी कि राज्य का अधिकार था। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर हम बटाई या गल्ला बख्शी की बात करें, तो बेसिकली जो रिवेन्यू का निर्धारण होता था या रिवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट करा जाएगा, तो उसके भी क्या थे, उसका भी प्रबंध था, और बेसिकली उसको भी 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ था। यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया मेरी फसल है और उस फसल पर किस तरीके से टैक्स लगेगा, तो इसका जो प्रबंध है वो 3 तरह से किया जाता था। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खेत बटाई। ठीक है, तो खेत बटाई में आपको जैसा स्लाइड में दिख रहा होगा कि फसल तैयार होते ही खेत को बांट दिया जाता था। ठीक है, बेसिकली जैसे मान लिया खेत में गेहूं की फसल खड़ी हुई है, तो जैसे फसल खड़ी होती थी, फसल कटती नहीं थी अभी, फसल है खेत में ही है लेकिन फसल पकने वाली है, तो फसल को देख लिया और फसल देख के जो है खेत का जो है 1/3 भाग वो खड़ी फसल का ले लिया, तो इसको खेत बटाई कहते थे। ठीक है, मतलब खेत को ही बांट दिया फसल के साथ। ठीक है, तो फसल तैयार होते ही खेत को बांट दिया जाता था, वो होती थी खेत बटाई। दूसरी जो होती थी वो होती थी लंक बटाई। ठीक है, लंक बटाई में बेसिकली ऐसा आप समझोगे कि गेहूं जो है उसको काट दिया, और गेहूं को काट के जो है उसके गट्ठर बना दिए। मान लिया एक खेत है, तो उसके एक खेत में बेसिकली 120 गट्ठर हमें मिले। ठीक है, तो 120 गट्ठर जब हमारे एक खेत से गेहूं के हो गए, तो 120 गट्ठर गट्ठर का 1/3 कितना हो गया, यानी कि 40 गट्ठर। तो 40 गट्ठर किसके पास जाएंगे, वो राज्य के पास जाएंगे। ठीक है, तीसरा होता था राशि बटाई। अब देखो, एक तो हम देख रहे हैं खेत बटाई में खड़ी फसल पर, ठीक है, दूसरा लंक बटाई, फसल कट गई है गट्ठर बन गए हैं उस पर। ठीक है, तीसरा जो है राशि बटाई। राशि बटाई में क्या है, पूरा प्रोसेस हो गया है फसल पर, गेहूं हमने निकाल लिया है पेड़ों से। ठीक है, उसको उसको गेहूं जब हमारे पास आ जाएगा, यानी कि अनाज जैसे तैयार हो जाएगा, तो उस अनाज पर बेसिकली जो बटाई होती थी, यानी कि उसका जो 1/3 भाग लिया जाता था, तो उसको हम बोलते थे राशि बटाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, बहुत टेक्निकल है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा
अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको आप समझ भी सकते हैं। ओके, भूमि के माप की इकाई की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि जो क्षेत्रफल होता था, जो एरिया होता था बेसिकली खेत का, तो वो बीघे में या बीघा में जो है उसको मापा जाता था। और बीघा जो था वो एक कहीं ना कहीं बिस्वा का ही एक तरीके से रूप था, और बिस्वा को ही एक तरीके से थोड़ा थोड़ा बहुत उसमें इंप्रूवमेंट करके बीघा नाम रखा गया था। तो अगर बिस्वे की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर बिस्वा जो है स्टार्ट हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी कि जो ये बिस्वा प्रणाली थी नापने की, उसको जो है मुगलों ने लिया था। अगर भूमि के पैमाइश की बात करें, पैमाइश का मतलब है कि भाई कितनी खेत की चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, ठीक है ना। उसके आधार पर अगर हम बात करें तो बेसिकली जो मुगल काल में बेसिकली स्टार्टिंग में तो सिकंदरी गज या गजे सिकंदरी उसका यूज होता था, जैसे आज के टाइम पर मीटर का यूज होता है, या आज के टाइम का भी जो गज है, ठीक है ना, मीटर से थोड़ा सा कम होता है गज, ठीक है। तो ये जो गज वर्ड है ये पहले से ही आ रहा है, काफी पुराना वर्ड है। आजकल तो जो इंटरनेशनल यूनिट है वो बेसिकली मीटर है, तो मीटर में हम नापने की कोशिश करते हैं, या और भी यूनिट है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में मुगल काल में जो है सिकंदरी गज का यूज किया जाता था, जिसको गजे सिकंदरी बोलते थे, लेकिन बाद में अकबर ने आके जो है इसको चेंज कर दिया था, और इसने जो है इलाही गज या गजे इलाही का जो है इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। ऐसा समझ सकते हैं जो डिफरेंस था वो ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। जो सिकंदरी गज था उसमें बेसिकली सिकंदरी जो गज होता था या गजे सिकंदरी होता था वो 32 इंच का होता था, यानी कि बेसिकली उस टाइम पर अंगुल से भी नापा जाता था। तो बोलते थे कि 32 39 अंगुल का है, और जो इलाही गज था वो 41 अंगुल का था, यानी कि 33.5 33.5 इंच का वो होता था, ठीक है। तो ये हमने भूमि को नापने की भी उस टाइम पर हमने देख लिया किस तरीके से भूमि को उस टाइम पर नापा जाता था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए बेसिकली आपने सुना होगा टोडरमल का नाम, ठीक है। तो टोडरमल की मैं अगर आपको बात बताऊं तो टोडरमल एक बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी था, और भूमि भूमि के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों में उसको पारंगत हासिल थी, ठीक है। आप ऐसा जानेंगे कि जो टोडरमल था, तो टोडरमल को जो है अकबर ने अपने नवरत्नों में भी शामिल किया हुआ था। और टोडरमल स्टार्टिंग में जो था वो बेसिकली हमने देखा जो शेरशाह सूरी है, तो शेरशाह सूरी के अंडर भी वो काम कर चुका था, शेरशाह सूरी के साम्राज्य में भी वो काम कर चुका था। तो बेसिकली अकबर भी जो टोडरमल है उसको रखते हैं अपने नवरत्नों में, और ये काफी सारा बेसिकली अमेंडमेंट करता है, काफी सारे सुधार करता है ये। और हम देखेंगे कि बेसिकली जो आईने दहसाला प्रणाली है, या दहसाला प्रणाली है जिसको टोडरमल बंदोबस्त भी बोलते हैं, ये बेसिकली मुगल साम्राज्य में बेसिकली अकबर के टाइम पर टोडरमल द्वारा जो है ये लाया गया था। टोडरमल की ये व्यवस्था थी, तो एक तरीके से देख सकते हैं कि ये नई टैक्सेशन प्रणाली थी, नई कर प्रणाली थी, ठीक है, अकबर के 24वें वर्ष में, यानी कि 1580 में इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, मुगल साम्राज्य में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इसको लेके आया गया था? इसके लिए इसके पीछे एक मकसद ये था कि उस टाइम पर ऐसा समझने की कोशिश करेंगे आप कि बहुत किसान ऐसे होते थे कि उनका उपज बहुत अच्छी नहीं होती थी तो भी उन पर टैक्स लगता था, ठीक है। तो टोडरमल ने क्या किया, अकबर, आपको पता है कि अकबर बहुत ही ज्यादा लिबरल शासक था, और उसने अच्छे से शासन किया। वो नहीं चाहता था कि किसान जो है वो परेशान हो और किसानों पर कोई बोझ आए। तो टोडरमल ने जो ये बंदोबस्त किया, दहसाला प्रणाली, दहसाला प्रणाली का मतलब ये है एक तरीके से 10 साल, दहसाला मतलब 10 ईयर्स, ऐसा आप मान के चलेंगे। तो बेसिकली जो 10 ईयर, जो पिछले 10 सालों में उसी जमीन पर जो खेती हुई है, तो उसका प्रोडक्शन देखा जाता था उसके हिसाब से, उसके मूल्य के हिसाब से प्रोडक्शन देखा जाता था कि 10 साल में कितना कितना हुआ है, और उसके मूल्य के हिसाब से जो है उसका औसत निकाला जाता था, 10 साल का एवरेज निकाला जाता था, और एवरेज के हिसाब से जो है उसका 1/3 जो है वो लिया जाता था। तो ऐसा आप जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे किसी साल अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ और उसको प्रोडक्शन नहीं हुआ तो 1/3 अगर 3 देना है तो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तो ऑन एन एवरेज निकाल के कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था उस भूमि पर। तो ये एक नई प्रणाली थी, और ये काफी ज्यादा बेसिकली काफी ज्यादा इसका चलन हुआ, काफी लोगों ने इसको पसंद किया, किसानों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई इससे, और किसान भी जो है कर देने में समर्थ थे, ठीक
इस प्रणाली के तहत, ठीक है ना। और जैसा मैंने आपको बताया खालिस्ता भूमि और जागीर भूमि, तो दोनों भूमियों पर बेसिकली जो ये दहसाला प्रणाली है इसके अनुसार से ही कर लगता था, ठीक है। जब खालिसा और जागीर का मैंने जिक्र किया था, तो खालिसा ऐसी भूमि थी, एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर, खालिसा ऐसी भूमि थी जिस पर जो टैक्स लगता था वो सीधे शाही खजाने में जाता था, शाही कोषागार में जाता था। और जागीर भूमि ऐसी भूमि थी जो टैक्स होता था उस पर वो सरदार या जो मनसबदार होते थे या जो व्यक्ति होते थे जिसको वो जमीन मिली हुई है वो लोग उसको इकट्ठा करते थे। तो बेसिकली आईने दहसाला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है लिखने के लिए, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है लिखने के लिए, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, उसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे उद्योग धंधे। जब उद्योग धंधों की बात करेंगे हम, तो उद्योग धंधे जो उस टाइम की इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री का मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया कि क्या क्या उस टाइम पर होता था, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में उस टाइम पर क्या क्या होता था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कपास काफी होती थी, और कपास के कारण बेसिकली यहाँ पर जो कॉटन इंडस्ट्री है तो उससे सूती वस्त्र जो उद्योग था वो काफी ज्यादा भारत में विकसित हो चुका था, ठीक है। साथ ही साथ सूती वस्त्र जब यहाँ पर विकसित हो गया था तो यहाँ पर कौन कौन से केंद्र थे ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली जो गुजरात है, गुजरात में बेसिकली अहमदाबाद और बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी काफी सारी जगह थी, जौनपुर, मिर्जापुर, तो ये सारी जगह सूती वस्त्र के लिए काफी ज्यादा फेमस थे उस टाइम पर। और भारत का जो सूती वस्त्र थे भारत के, तो बहुत ज्यादा विदेशों में भी उनका प्रचलन था, विदेशों में बहुत ज्यादा उनकी डिमांड थी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ या मैंने आपके सामने लिखा हुआ कि सबसे उन्नत उद्योग था, यहाँ से काफी फायदा होता था। जो मुगल एम्पायर था बेसिकली, मुगल जो शासक थे उनको काफी ज्यादा फायदा होता था सूती वस्त्र उद्योग से, ठीक है। तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके बारे में आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ केलिको बेसिकली भारत में निर्मित कपड़ों को बोला जाता था। केलिको जो कपड़ा था वो काफी ज्यादा फेमस था बाहर, ठीक है। तो एक तरीके से मोटे तौर पे मैं बोलूँ तो सूती वस्त्रों की जो डिमांड थी वो बाहरी देशों में बहुत ज्यादा थी, भारतीय सूती वस्त्र की डिमांड। उसके साथ साथ ऊनी वस्त्रों की मैं बात करूंगा कि ऊनी वस्त्र किस तरीके के होते थे, ठीक है। तो ऊनी वस्त्रों का आपको पता है कि भारत में ठंड पड़ती है, जिस इलाके में ठंड पड़ती है तो ऑब्वियसली उन इलाकों में तो इनका प्रोडक्शन होगा ही होगा। तो बेसिकली जहांगीर ने जो है अमृतसर में सबसे पहले जो है इसको ये उद्योग को जो है इस्टेब्लिश किया था, और इसके लिए जो कच्चा माल आता था वो तिब्बत से आता था। आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत भी उस टाइम पर इंडिया का पार्ट था, आज तो चाइना का पार्ट है। और तिब्बत में काफी ठंड पड़ती है, और तिब्बत में जो बेसिकली जो ऊनी वस्त्रों का जो कच्चा माल था, ऊनी वस्त्रों के जो कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, वो तिब्बत से हमें प्राप्त होता था। साथ ही साथ जो सेंटर्स हैं जहां पर ऊनी वस्त्रों का काफी ज्यादा काम होता था, तो ऑब्वियसली कश्मीर काफी ज्यादा फेमस है, आज के टाइम पर भी काफी ज्यादा फेमस है आपका कश्मीर। आपने देखा होगा पश्मीना शॉल और पता नहीं क्या क्या आता है कश्मीर का। और पंजाब, पंजाब भी काफी ज्यादा फेमस था, पंजाब में भी काफी इंडस्ट्री विकसित थी ऊनी वस्त्रों की। साथ ही साथ कुमाऊं, कुमाऊं बेसिकली ये आपका उत्तराखंड का पार्ट है, जहां पे आपका नैनीताल और ये आपका पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ये जो एरिया है ये कुमाऊं एरिया में आते हैं। तो बेसिकली ये जो एरिया थे यहाँ पर भी ऊनी वस्त्रों का काफी ज्यादा काम होता था, और ऊनी वस्त्र भी काफी ज्यादा उस टाइम पर फेमस थे। ओके, उसके आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, अभी तो हम वस्त्रों की ही बात कर रहे हैं, कपड़ों से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पर रेशम वस्त्र उद्योग था, तो ये भी काफी ज्यादा फेमस था उस टाइम पर। और आगरा, लाहौर, दिल्ली और जो आपका बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, आज के टाइम पर उस टाइम पर भारत में ही थी, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो ये भी क्या था, एक बहुत बड़ा केंद्र था रेशम वस्त्र उद्योग का। गुजरात का अहमदाबाद ये भी बहुत बड़ा केंद्र था रेशम वस्त्र उद्योग का, ठीक है। अगर हम रेशम की बात करें तो भारत में जो रॉ मटेरियल है रेशम का, यानी कि रेशम का जो कपड़ा है, तो भारत में उसकी मतलब इतना ज्यादा फेमस था रेशम कि क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम की जो बड़े बड़े अमीर वर्ग के लोग थे, बड़े बड़े कुलीन वर्ग के लोग थे, और जो आपका बेसिकली जो बादशाह थे, जो
जो बादशाहों के बेटे थे, ठीक है, और उनकी जो फैमिली थी, तो बेसिकली या जो उस टाइम पर बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं, जो उस टाइम पर अमीर लोग थे तो वो रेशम के वस्त्रों का काफी ज्यादा यूज करते थे, ठीक है। तो भारत में इंडस्ट्री थी, लेकिन फिर भी क्या था, भारत में जो कपड़ा था रेशम का, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती थी, तो इसलिए बाहर से उसको मंगाना पड़ता था, ठीक है ना, बेसिकली इम्पोर्ट करना पड़ता था बाहर बाहर से रेशम को। हम देखेंगे कि रेशम जो है चाइना में भी काफी मिलता था, चाइना से भी उसको बेसिकली इम्पोर्ट किया जाता था, ठीक है। और जो पटोला है, पटोला शब्द जो है वो रेशमी कपड़ों के लिए ही यूज किया जाता था, रेशमी कपड़ों को ही बेसिकली पटोला बोला जाता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, रेशम वस्त्र उद्योग है, ये अपने आप में काफी बड़ी इंडस्ट्री थी और काफी ज्यादा इनकी डिमांड थी और काफी ज्यादा फेमस थे ये मुगल साम्राज्य में। उसके बाद थोड़ा सा हम मतलब खाने पीने की चीजें हैं, उसके अलावा भी चीजें हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो भारत में उस टाइम पर गन्ना अच्छा होता था, तो बेसिकली गुड़ और चीनी जो है उसकी भी इंडस्ट्रियां डेवलप हो चुकी थी भारत में। भारत में देखेंगे आप बंगाल, गुजरात और पंजाब, तो यहाँ पे काफी ज्यादा गुड़ और चीनी का प्रोडक्शन होता था। साथ ही साथ मिट्टी के बर्तनों की भी अपना एक अलग इंडस्ट्री थी, और वो जो इंडस्ट्री थी वो दिल्ली, बनारस और चुनार, ठीक है। चुनार जो है वो बेसिकली जौनपुर, मिर्जापुर के मतलब जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश आप जानेंगे कि जो चुनार है वो उत्तर प्रदेश में है, बनारस भी उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली आज के टाइम के उत्तर प्रदेश में है, और दिल्ली तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन थे वो दिल्ली, बनारस और चुनार, यहाँ पर उनकी इंडस्ट्रियां थी। अगर हम तांबे की बात करें, कॉपर की बात करें, ठीक है, आगे हम देखते हैं धातु, कुछ मेटल्स हैं उनके बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो अगर हम मेटल्स में तांबे की बात करें, तो तांबे की जो खाने थी, यानी कि जो हमें तांबा मिलता था, ठीक है, तांबे का जो अयस्क मिलता था और मिलता था, वो बेसिकली हमें राजस्थान से बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता था, या जो आपका मिडिल इंडिया है, मध्य भारत है, वहां से भी हमें काफी मात्रा में हमें तांबा मिलता था। तांबा बहुत ज्यादा उपयोगी था, तांबे का तो आपने देखा होगा, आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपने ताम्रपाषाण संस्कृति पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ताम्रपाषाण संस्कृति में भी जो राजस्थान है, यहाँ से जो है बहुत ज्यादा हमने देखा कि यहाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें तांबा मिलता था, तांबे की बहुत बड़ी बड़ी खाने थी। तो बहुत पहले से ही तांबा जो है वो राजस्थान में पाया गया है, राजस्थान में मिला है हमें, तो इसलिए राजस्थान में जो है तांबे की इंडस्ट्री काफी ज्यादा विकसित थी, काफी ज्यादा फेमस थी। तांबे का भी बहुत तरीके से यूज किया जाता था, तांबे का बर्तन बनाए जाते थे, आभूषणों में भी तांबा यूज किया जाता था। साथ ही साथ आप देखोगे, जब मैं आपको मुद्रा प्रणाली पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कॉइन सिस्टम पढ़ाऊंगा, कॉइनेज पढ़ाऊंगा, तो आप देखोगे कि तांबा था, तांबे के तो बहुत सारे सिक्के बनते थे, जो बेसिकली उस टाइम के सिक्के थे, कॉइन्स थे, तो सबसे ज्यादा चलन तो तांबे के सिक्कों का था, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो टकसाल थी, टकसाल मतलब जहां पर जो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर सिक्के बनते हैं, ठीक है, मुद्रा बनती है, तो सबसे ज्यादा जो मुद्रा का चलन था या मुद्रा बनी हुई थी, वो भी तांबे की बनी हुई थी। तो तांबा तो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है, यानी कि तांबे की जो फैक्ट्रियां हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पर। उसके बाद हम बात करेंगे हीरे की, तो भारत में जो छोटा नागपुर है और गोलकुंडा है, तो वहां पे बेसिकली हीरे की खान थी, हीरा वहां पे काफी ज्यादा मिलता था। अगर हम कोहिनूर हीरे की बात करें, बेसिकली कोहिनूर हीरा जो है वो भारत में बेसिकली शाहजहां को भेंट किया था उस टाइम पर मुगल साम्राज्य में, और मीर जुमला या उनको मीर सैयद भी बोलते हैं, उन्होंने बेसिकली शाहजहां को दिया था, और जो कोहिनूर हीरा था वो गोलकुंडा से मिला था। कोहिनूर हीरा अपने आप में बहुत फेमस है, ठीक है, आप इतिहास की किताबों में लिखा हुआ देखेंगे, हिस्ट्री हिस्ट्री की काफी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली दिल्ली सल्तनत मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य था, तो मुगल साम्राज्य में लास्ट में आप देखोगे कि बाहर से बहुत लुटेरे आए हैं, जैसे नादिर शाह आया है, अहमद शाह अब्दाली आया है, तो हमें देखने को मिला कि ये जो लुटेरे थे, इन्होंने भारत को लूटा, और जो मुगल साम्राज्य है उसको लूटा है इन लोगों ने, और ये दिल्ली का जो आज के टाइम पे रेड फोर्ट है, लाल किला है, तो कोहिनूर हीरा वहां पर होता था, और वो जो लुटेरे थे वो बेसिकली रेड फोर्ट से कोहिनूर का हीरा चुरा कर ले गए थे, और जो तख्त ए ताऊस, ठीक है, मयूर सिंहासन उसको बोलते थे, तो उसको भी वो ले गए थे, ठीक है। और जो कोहिनूर हीरा है वो
बेसिकली भारत से चला गया था। ठीक है, तो एक कोहिनूर हीरे की थोड़ी सी हिस्ट्री है जिसके बारे में मैं आपको मैंने अभी बताया। उसके आगे हम बात करेंगे और भी कुछ कुछ चीजें होती थी जो भारत में जिनका प्रोडक्शन होता था, जिनकी फैक्ट्रियां थी, इंडस्ट्री थी। तो बेसिकली जो सेंट है, इत्र है, तो इत्र की फैक्ट्रियां होती थी, सुगंधित तेल, गुलाब जल, इन सब की फैक्ट्रियां होती थी, इनका भी अपना यूज होता था। और उस टाइम पर जो बड़े बड़े लोग थे, मुगल बादशाह थे या जो अमीर वर्ग के लोग थे, वो इत्र का काफी ज्यादा यूज करते थे। तो बेसिकली इनकी जो इंडस्ट्री थी जौनपुर और गुजरात में, इनकी इंडस्ट्री हुआ करती थी इत्र, सुगंधित तेल और गुलाब जल की। ठीक है, तो मोटे तौर पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। बाद में हम देखेंगे जहाज निर्माण उद्योग। जहाज निर्माण उद्योग की अगर हम बात करें तो बेसिकली जहाज निर्माण उद्योग पहले तो स्टार्टिंग में विकसित नहीं था। जो जहाज का निर्माण कार्य था वो उतना ज्यादा मुगल काल में नहीं होता था, लेकिन अकबर के बाद बेसिकली धीरे धीरे इसको स्टार्ट किया गया और ये भी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया। ठीक है, तो जहाज निर्माण उद्योग यानी कि जहाजों का निर्माण भी उस टाइम पर होता था। अच्छा, एक चीज यहां पर याद रखिएगा आप, जो मैंने आपको उद्योग धंधे बताए हैं तो इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं क्योंकि ये भारत में उद्योग धंधे हो रहे हैं, भारत में विकसित हैं, मुगल साम्राज्य में विकसित हैं। तो बेसिकली यहाँ से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं या प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं तो उनका हम क्या करेंगे, उनका हम निर्यात करेंगे, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर को और यहाँ से हमें पैसा आएगा। यानी कि यहाँ से जब हम ट्रेड, या अभी तो हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा है, जब हम ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ की बहुत सारी चीजें जो भारत में हो रही हैं तो उन्हीं का तो हम निर्यात करेंगे ना। तो जब हम व्यापार और वाणिज्य की बात करेंगे तो वहां पर इन सब चीजों का जिक्र करेंगे फिर दोबारा से। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या क्या चीजें भारत में हो रही हैं। तो भारत उन्हीं सब चीजों का और भी कुछ कुछ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आपको, और भी बहुत सारी फैक्ट्री डेवलप थी। जैसे आप गुजरात की मैं बात करूं, जैसे सूरत है, आज के टाइम सूरत में क्या होता है, हीरे का बहुत बड़ा काम है, हीरे के बहुत व्यापारी हैं, सोने चांदी का बहुत बड़ा काम होता है। तो बेसिकली भारत में जो बेसिकली जो आभूषणों की मेकिंग होती थी ना, तो भारत में बहुत ज्यादा होती थी। जैसे जो भारतीय लोग थे वो बाहर से सोना मंगाते थे और उसका उसके आभूषण बना के जो है वो वापस जो है बाहर भेज देते थे, और उन आभूषणों की काफी ज्यादा डिमांड होती थी। ठीक है, यानी कि भारत की जो इंडस्ट्री थी जहां पर बेसिकली ये सारा काम होता था, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, ठीक है, तो उनकी भी बाहर बहुत डिमांड थी। ठीक है, तो उनके लिए भी बेसिकली क्या होता था कि बाहर से हमारे पास तो इतना सोना चांदी नहीं, मतलब सोना नहीं होता था, तो बाहर से उसको इम्पोर्ट कराया जाता था। इम्पोर्ट करने के बाद मतलब एज ए रॉ मटेरियल हम लोग सोना लेते थे बाहर से और उस पर काम करके उसके आभूषण बनाकर, ठीक है, उसके ऑर्नामेंट्स बना के बेसिकली हम लोग बाहर भेजते थे, तो उससे भी बहुत ज्यादा पैसा आता था। ठीक है, तो ये आपका मोटे तौर पर इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया है। हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली उद्योग धंधों के बारे में आपको बता रहा था, तो उद्योग धंधों के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जब भारत में उद्योग धंधे हैं, भारत में इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं व्यापार को भी सुदृढ़ करेंगी, कहीं ना कहीं मजबूत करेंगी, और भारत का जो व्यापार है, मुगल साम्राज्य का व्यापार है, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो थोड़ा सा व्यापार के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो उस टाइम पर हम देखेंगे तो भारत में जो व्यापार होता था वो बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक और बाह्य व्यापार जो है वो दोनों तरीके के व्यापार होते थे। और भारत में जो व्यापारी थे, ठीक है, थोड़ा सा उनके बारे में मैंने लिखा हुआ है, थोक व्यापारी थे, जो होलसेलर थे बेसिकली, तो उसमें कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा अग्रणी थे, बहुत ज्यादा फेमस थे, उनमें सेठ लोग आते थे, भोरा लोग आते थे और मोदी लोग आते थे। ठीक है, सेठ, भोरा, मोदी, ये सारे जो लोग थे, ये सारे टाइटल आज भी देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लोग थे वो थोक व्यापारी थे, यानी कि होलसेलर थे, और जो खुदरा व्यापारी थे उनको व्यापारी या वाणिक बोलते थे। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में भी व्यापारी वर्ग के लोग थे तो उनको बेसिकली चेटी बोलते थे। तो ये एक तरीके से ये क्लासिफिकेशन था यहाँ पर जो ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों का, कि भाई जो थोक व्यापारी हैं वो कौन कौन है, खुदरा रिटेलर हैं वो कौन कौन है, और जो दक्षिण भारत में कामकाज कर रहे हैं व्यापारी हैं वो कौन है। बेसिकली अगर हम उस टाइम की बात करें मुगल साम्राज्य की, तो जो मैंने आपको बोहरा लिखा है, ये भी बोहरा भी जो लोग थे ये भी बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे।
तो उस टाइम पर एक व्यापारी था बिरजी बोहरा, ठीक है, उसका नाम था बिरजी बोहरा। ये सूरत का बहुत बड़ा व्यापारी था, और बेसिकली ऐसा भी बोलते हैं इसके बारे में कि जो इसके पास इतना पैसा था कि उस टाइम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे भी ज्यादा इसके पास पैसा हुआ करता था, यानी कि ये बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। और उसके पास जो है बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था, बहुत ज्यादा उसके पास जो जहाज थे पानी वाले जहाज, ठीक है, वो बहुत ज्यादा उसके पास थे, ठीक है। तो बिरजी बोहरा का जिक्र जो है एक बहुत बड़ा व्यापारी के रूप में हमें मिलता है मुगल साम्राज्य में, ठीक है। उसके बाद हुंडी के बारे में जानने की कोशिश करें कि हुंडी क्या होता है। तो बेसिकली आप ऐसा जानने की कोशिश करिए कि उस टाइम पर मुगल साम्राज्य में ऑब्वियसली कॉइन्स तो होते थे, ठीक है, मतलब हमारे पास वस्तु विनिमय के लिए पैसा तो होता था, लेकिन आप ऐसा जानने की कोशिश करिए कि उस टाइम पर जो रूट्स थे, जो जो रास्ते थे, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सेफ थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लिया कोई दिल्ली का व्यापारी है, वो अहमदाबाद से कोई व्यापार करना चाहता है, वहां से कोई सामान लेके आना चाहता है बहुत बड़ी मात्रा में, तो बेसिकली अगर वो यहाँ से इतने पैसे लेके जाएगा तो हो सकता है लूट जाए उसके पैसे रास्ते में। तो उस टाइम पर ऐसा आप समझिए कि वस्तु विनिमय का जो माध्यम था वो हुंडी था। हुंडी प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। हुंडी क्या होता था? हुंडी एक तरीके से एक पत्र होता था, एक पेपर होता था, एक चिट्ठी जिसको बोलते हैं वो होती थी, और बेसिकली एक निश्चित टाइम के लिए जो है वो उसको जारी किया जाता था, और जो सराफ होते थे बेसिकली उस टाइम के वो उसको जारी करते थे, और भी बहुत लोग थे उसको जारी करते थे। और मान लिया 100 रुपए की हुंडी जारी करी मैंने दिल्ली से, तो कुछ कटौती करके 95 या 90 रुपए का सामान जो है वो वहां पे जाकर खरीद सकता है कोई व्यापारी अहमदाबाद या कहीं भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता था, एक तरीके से देखा जाए तो ये एक ऋण पत्र था, ठीक है। मतलब कुछ टाइम के लिए आदमी एक तरीके से वर्चुअल मनी आप बोल सकते हो, ठीक है, उसके रूप में। ये उस टाइम तो डिजिटल डिजिटल मनी होता नहीं था, और डिजिटल मनी आज के टाइम पे जैसे कोई चोरी नहीं कर सकता, या उसका ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से चोरी हो जाए। तो बेसिकली हुंडी का भी जो यूज करते थे लोग, वो वस्तु विनिमय के लिए करते थे, एक्सचेंज के लिए बेसिकली करते थे, सामान खरीदने के लिए करते थे, ऐसा आप याद रखेंगे। हुंडी इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सर्राफ के बारे में बात करेंगे। सर्राफ भी एक व्यक्ति होते थे, और बेसिकली ये लेन देन का काम करते थे, लेन देन के विशेषज्ञ ये होते थे, और कहीं ना कहीं लोगों को पैसा उधार देना, ठीक है, या हुंडी जारी करना, ये सारे काम सर्राफ के थे। और एक तरीके से देखें तो उस टाइम पर ये निजी बैंक की तरह काम करते थे सर्राफ जो लोग होते थे। उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें व्यापार एंड वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स में ये सारी चीजें हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब हम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब इंडस्ट्री के बारे में बताया था कि निर्यात और आयात का जो जिक्र करेंगे हम वो ट्रेड कॉमर्स में करेंगे, और यहाँ पे जो चीजें होंगी भारत में, ठीक है, जो बाहर जाएंगी उसके बारे में भी आयात और निर्यात में देखा जाएगा बेसिकली। तो बेसिकली निर्यात वो चीजें होती हैं, निर्यात उसको बोला जाता है जो हम चीजें बाहर, जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होती हैं वो चीजें, और हम बाहर के देशों को भेजते हैं, तो इस व्यवस्था को बेसिकली निर्यात बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली निर्यात मतलब एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नील की खेती मैंने आपको बताया था कि आगरा के पास बयाना जगह थी, गुजरात में सरखेज जगह थी, वहां पर नील बहुत ज्यादा होता था, और नील की जो है ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो यहाँ से भारत से, यानी कि मुगल साम्राज्य से, उस टाइम पर नील की सप्लाई जो होती थी वो फॉरेन कंट्रीज को होती थी, ठीक है। साथ ही साथ सूती वस्त्र जो होते थे, सूती वस्त्र के यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे उन्नत किस्म के सूती वस्त्र यहाँ पर मिलते थे, उनका भी बेसिकली एक्सपोर्ट होता था बाहर के देशों को। यहाँ पे अफीम काफी मात्रा में मिलता था, तो अफीम का भी एक्सपोर्ट होता था। साथ ही साथ शोरा है, शोरे का भी एक्सपोर्ट होता था। शोरा जो है वो कारोमंडल तट और बिहार से मिलता है, ठीक है। आपको थोड़ी सी बेसिक ज्योग्राफी हमेशा पता होनी चाहिए जब हिस्ट्री पढ़ते हैं आप। जैसे मैंने कारोमंडल तट लिखा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कारोमंडल तट कहाँ पर है, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपको मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो मैप है बेसिकली मुगल काल का मैप तो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि जो कारोमंडल तट है वो ये वाला एरिया है जहां पे मेरा कर्सर है इस टाइम, ठीक है। जो आपका बेसिकली ईस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट में जो नीचे वाला एरिया है,
ठीक है, जो आपका नीचे वाला बेसिकली तमिलनाडु वाला एरिया जो है ये, तो इसको कारोमंडल तट बोला जाता है। जो इधर का लेफ्ट वाला केरल वाला एरिया है इसको मालाबार तट बोला जाता है, और इसको लेफ्ट वाला पूरा यहाँ से लेकर गुजरात से लेके नीचे तक का जो एरिया है, ठीक है, जो ये लाइन से आपको दिखाया गया है, इसको वेस्टर्न घाट बोला जाता है, और जो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक वाला एरिया है इसको ईस्टर्न घाट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से, जब मैंने कारोमंडल तट का जिक्र किया तो मैं ऑब्वियसली यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम मुगल एम्पायर को देखें, मुगल कालीन मैप को देखने की कोशिश करते हैं, ओके आप देखिए इस तरीके से ये जो पूरा मैप है ये मुगल एम्पायर का है, 1530 से लेके 1707 तक है। ठीक है, और ये आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करिए कि ये जो एरिया है कश्मीर, उसके ऊपर अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, ये पूरा एरिया जो था ये मुगल साम्राज्य में आता था। मतलब उस टाइम पर मुगल साम्राज्य कितना बड़ा था आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर कांधार भी मुगल साम्राज्य में था, हालांकि बाद में जो कांधार है वो मुगल साम्राज्य से चला गया था 1600 समथिंग में, 1640 के आसपास, 50 के आसपास, ये मुगल साम्राज्य का पार्ट नहीं रहा था कांधार। ठीक है, बाकी लगभग यहाँ तक जो है वो मुगल साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, दक्षिण के कुछ जगह नहीं थे मुगल साम्राज्य, बाकी मुगल साम्राज्य काफी बड़ा था। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, ओके थोड़ा सा ओके तो थोड़ा सा फिर हम पीडीएफ पे चलते हैं। पीडीएफ पे मैं बेसिकली आपको आयात और निर्यात के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था कि किस चीज का उस टाइम पर आयात होता था और किस चीज का निर्यात होता था। तो मैंने आयात के बारे में आपको बताया, और निर्यात के बारे में सॉरी मैंने आपको बताया कि नील, सूती वस्त्र, अफीम, शोरा, तो इन सब चीजों का बेसिकली निर्यात होता था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों ही विकसित थे। ठीक है, और देश के अंदर अगर व्यापार की मैं बात करूं तो नदियां और सड़कें दोनों तरीके से बेसिकली व्यापार होता था, और जो विदेशों की बात करूं तो विदेशों के साथ बेसिकली जो यूरोप है और एशिया के जो और भी कंट्री है, एशिया की और भी एरिया है, तो वहां पे जो है भारत के जो रिलेशन थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, यानी कि ट्रेड जो था भारत का बहुत ज्यादा अच्छा होता था उस टाइम पर। और जो ये व्यापार था जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई एशिया, बाकी एशिया और यूरोप से जो व्यापार होता था वो समुद्र मतलब स्थलीय मार्ग के साथ था, लैंड रूट के साथ साथ वो बेसिकली जो समुद्री सी रूट है उसके साथ भी होता था। अगर मैं बात करूं आज के पाकिस्तान की, तो आज के पाकिस्तान में दो जगह चली गई हैं अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पर ट्रेड के लिए, बेसिकली लाहौर और मुल्तान। ठीक है, लाहौर और मुल्तान से काफी ज्यादा बेसिकली एक तरीके से ये लैंड रूट था एक तरीके से, और यहाँ से काफी ज्यादा ट्रेड होता था, और ये बहुत बड़े बड़े बेसिकली सेंटर थे ट्रेड के। ठीक है, काबुल भी उसमें एक था, कंधार भी था, कंधार तक माल जाता था, मैंने आपको बताया कंधार जो था वो शामिल था मुगल साम्राज्य में, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। साथ ही साथ समुद्री व्यापार की अगर हम बात करें तो समुद्री व्यापार तो वहीं से होगा जो एरिया जो जो है वो समुद्र के आसपास में होंगे। ठीक है ना, जो कोस्टल एरिया होंगे वहीं से समुद्री व्यापार होगा, तो वो कोस्टल एरिया जो थे वो सूरत था, भड़ोच था, ये सारे गुजरात में है एरिया है, खंबात था, बसीन था, और अब अगर आप वेस्टर्न घाट पे और नीचे जाओगे तो बेसिकली गोवा था, कालीकट था, मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूँ शायद। ठीक है, मतलब ये जो एरिया है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर भी काफी सारे जगह थी, और यहाँ पर भी काफी सारी जगह थी जहां से ट्रेड होता था बेसिकली। तो मैंने लेफ्ट वाली जो जगह बताई है आपको वो बताई है बेसिकली सूरत, भड़ोच, खंबात, बसीन, गोवा यहाँ पर, उसके बाद कालीकट, कोचीन, तो ये बेसिकली आपका जो वेस्टर्न घाट है तो यहाँ से इन सब जगहों से ट्रेड होता था। और अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें, ठीक है, पूर्वी तट की बात करें हम समुद्र के भारत के, तो बेसिकली नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, सोनार, ऊपर चटगांव, तो ये सारे जो थे ये भी ट्रेड के एरिया थे मुगल कालीन यानी कि मुगल के टाइम पर। तो बेसिकली अगर हम बात करें आयात की, निर्यात की तो हम बात कर चुके हैं, तो भारत में क्या क्या आता था बेसिकली। भारत में मैंने आपको बताया सोना, सोने के रॉ मटेरियल, सोना सोने के रूप में मतलब
रॉ मटेरियल के रूप में सोना बाहर से आता था और उस पर भारत में बहुत सारा काम होता था, भारत में आभूषण बनते थे और फिर बाद में क्या होता था उसको भेज दिया जाता था बनाकर चीजों को। तो बेसिकली बाहर से सोना भी आता था, चांदी भी आती थी, और जो घोड़े हैं, घोड़े भी आप देखोगे कि भारत में जो है उस टाइम पर आते थे। घोड़ों की अगर हम बात करें तो घोड़े जो है भारत में पहले नहीं मिलते थे, और जो अच्छे घोड़े थे बेसिकली जो मध्य एशिया है, तो मध्य एशिया में बहुत अच्छे अच्छे घोड़े, घोड़ों की नस्ल होती थी। तो घोड़ों को हमेशा से जो है, चाहे आप दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत में भी, चाहे आप उसके पहले चोल साम्राज्य की भी बात करें, तो घोड़ों का जो व्यापार था वो बहुत पहले से होता आया है, और इस टाइम पर भी घोड़ों का व्यापार हमें देखने को मिलता है। यानी कि भारत में जो है घोड़े हैं वो बाहर से ही मंगाए जाते थे, अच्छे किस्म के घोड़े वहां पर होते थे। तो घोड़े मुगल टाइम पर भी जो है आयात घोड़ों का होता था, ऐसा आप याद रखेंगे। जब मैंने रेशम की बात करी थी कि रेशम, तब मैंने वहां पे लिखा भी था कि रेशम का जो कच्चा माल है, रेशम का बेसिकली कपड़ा है, वो बाहर से मंगाया जाता था, हम यहाँ पर पूर्ति नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा उसकी डिमांड थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नोबल्स थे, जो यहाँ पे बेसिकली अमीर वर्ग के लोग थे, और जो साथ ही साथ आपके बादशाह थे उनके बेटे थे, या जो अमीर लोग थे उस टाइम पर, वो सारे रेशम के वस्त्रों का यूज करते थे, तो रेशम बाहर से भी मंगाया जाता था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि भारत में जो है सोना चांदी, कच्चा रेशम, घोड़े, हीरे जवाहरात और हाथी के दांतों को भी बेसिकली बाहर से मंगाया जाता था। ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल जो फ्रेग्रेंस होती थी इत्र की, उनको भी मंगाया जाता था। तो ये सारी चीजों का बाहर से बेसिकली इम्पोर्ट होता था। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन जो भारत में नहीं होती थी वो भी बाहर से मंगाई जाती थी, ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ अगर हम आयात निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, तो बेसिकली आयात और निर्यात पर उस टाइम पर 3.5% यानी कि 3.5% टैक्स लगता था। ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ लिया है, ट्रेड और कॉमर्स हमारा किस तरीके से स्ट्रांग था, क्या क्या चीजें थी, कौन कौन लोग थे जो यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स में लगे हुए थे, ये सारी चीज हमने पढ़ ली है। ओके, उसके साथ अगर हम बात करें ट्रेड और कॉमर्स में ही, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि बाद में धीरे धीरे जैसे हम देखेंगे बाबर के बाद जैसे जैसे बढ़ता चला गया मुगल साम्राज्य, ठीक है, औरंगजेब के पहले, तो भारत से जो है व्यापार, जो है भारत में बेसिकली व्यापार बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, और उस टाइम पर बहुत सारे जो लोग थे वो व्यापार में लगे हुए थे। ठीक है, ऐसा आप जानेंगे। और उस टाइम पर बहुत सी टोलियां भी थी उस टाइम पर जो व्यापार में लगी हुई थी। जैसे उस टाइम पर मैंने चेटी का जिक्र किया, दक्षिण भारत के व्यापारी थे, ठीक है, सर्राफ भी थे, ये भी व्यापारियों का काम करते थे। ऐसे ही उस टाइम पर बंजारे होते थे, ठीक है, बंजारों की टोलियां होती थी जो क्या करती थी, जो बेसिकली व्यापार में लगी हुई थी, जो आपका इंटरनल व्यापार है उसमें काफी ज्यादा ये रोल प्ले करते थे। बेसिकली उनको बंजारे बोलते थे, वो काफिलों में चलते थे, काफी सारी बैलगाड़ियों के साथ चलते थे, और जगह जगह रुककर वो अपने टेंट लगाते थे, और जगह जगह वो अपने सामान को बेचते हुए चले जाते थे, और अपने सामान के बदले जो जहां पर फेमस है चीज वो उसको एकत्रित करते हुए लेके चले जाते थे। तो इस तरीके से इंटरनल व्यापार उस टाइम पर चलता था। ठीक है, तो बेसिकली बंजारे, बनिक और महाजन वर्ग के लोग जो थे, ये उस टाइम पर उभर कर आए हैं, व्यापार ने जो है इन लोगों को जन्म दिया है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें व्यापार और वाणिज्य के बाद, ट्रेड एंड कॉमर्स के बाद, तो हम नगरीकरण की बात करेंगे, शहरी केंद्रों का विकास किस तरीके से हुआ, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं शहरी केंद्रों की बात करूं आपसे, तो अर्बनाइजेशन का आपको पता होना चाहिए कि अर्बनाइजेशन बोलते किसको है। तो सबसे पहले तो आप यही समझिए कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती चली जाएगी, हमारे पास पैसा आता चला जाएगा, ठीक है, हमारे पास अच्छी पैदावार होगी खेती में, ठीक है, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, तो हम तरक्की करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, वैसे वैसे हमारा हम चीजों का लाभ उठाएंगे, और हम एक विकास के मतलब विकास की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसा आप समझने की कोशिश करिए। तो पहले जो छोटे गांव थे, तो छोटे गांव में जहां पर अच्छी खेती होती थी, जहां पर बहुत ज्यादा किसी चीज का प्रोडक्शन होता था, तो बेसिकली वो जो जगह थी वो धीरे धीरे कस्बे में, टाउन्स में तब्दील हुई। टाउन्स जो थे उस टाइम के बड़े बड़े शहरों में तब्दील हुए। तो बेसिकली इस तरीके से हमने देखा कि जो मुगल काल में अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा हो गई, यानी कि
मतलब बेसिकली बोला जाता है कि जो उस टाइम पर अकबर था, अकबर के टाइम पर लगभग भारत में 3,000 कस्बे थे, ठीक है, 3,000 टाउन्स थे जो काफी बड़े और विकसित हो गए थे, और उस टाइम पर शहर भी थे काफी सारे। तो बेसिकली जो मुगल काल में शहरों की संख्या है उसमें किस तरीके से वृद्धि हुई, उसका क्या क्या कारण था, तो बेसिकली जो आपका इंटरनल ट्रेड था वो इतना ज्यादा डेवलप हो चुका था, बहुत ज्यादा विकसित हो चुका था, वो भी एक तरीके से बड़े बड़े शहरों को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी काफी स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी बड़े बड़े जो शहर हैं वो बसेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, इन सबके कारखाने भारत में बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। साथ ही साथ इनका क्या हो रहा है, इनका इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है इधर उधर, तो बेसिकली इसकी वजह से भी क्या होगा, इसकी वजह से भी आपका अर्बनाइजेशन होगा, जो आपके कस्बे होंगे वो बड़े बड़े शहरों का रूप ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली नगरों की बात करें, शहरी केंद्रों की बात करें, तो बेसिकली उस टाइम पर हमें चार तरीके के शहर देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो आपका प्रशासनिक केंद्र है वो भी शहर होते थे या शहर बन चुके थे, जैसे हम आगरा की बात करें, ठीक है, मुगल साम्राज्य में हम बात करेंगे तो दिल्ली से पहले तो लाहौर ही, दिल्ली से पहले तो आगरे की हम बात करेंगे, क्योंकि आगरा में अकबर का बहुत प्रिय जगह थी आगरा, ठीक है। तो प्रशासनिक केंद्र के रूप में दिल्ली, लाहौर और आगरा, ये तीनों बहुत विकसित हो चुके थे, ये बड़े बड़े शहर बन चुके थे। और साथ ही साथ अगर हम प्रोडक्शन के आधार पर अगर बात करें, जहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता था या जहां पर बेसिकली थोड़ा बहुत और ट्रेड हो रहा है, तो बेसिकली अहमदाबाद जो गुजरात का शहर है, हमने देखा यहाँ पे टेक्सटाइल जो उद्योग था, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग था, बहुत ज्यादा विकसित था। ऐसे ही पटना, पटना को भी हम देखेंगे, पटना तो बहुत पुराना शहर है हालांकि, लेकिन उस टाइम पर भी ये काफी डेवलप और काफी बड़ा होता चला गया था। साथ ही साथ कुछ तीर्थ स्थलों की हम बात करेंगे, जहां पर बेसिकली जो जहां पर बेसिकली तीर्थ यात्री जाते थे, तो हमने देखा कि जो तीर्थ यात्री कर था, ठीक है ना, वो भी अकबर ने समाप्त कर दिया था, ठीक है, ऐसा आपने अकबर के बारे में पढ़ा होगा। तो उसके बाद में लोगों ने बहुत ज्यादा जाना चालू कर दिया था अपने तीर्थ स्थलों पर। तो हम देखेंगे जो बनारस है और मथुरा है वो बहुत बड़े बड़े एक तरीके से अर्बन सेंटर बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नगर बन जाते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जहां पर कुछ स्पेशल चीज उग रही है, स्पेशल चीज बन रही है, तो वो भी शहर बड़े बड़े, बड़े हो गए। जैसे मैंने बयाना की बात करी थी, बयाना मैंने बताया था आगरा के पास, तो बेसिकली वहां पर भी ये भी एक तरीके से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ा और यहाँ पर भी जो है काफी ज्यादा विकास हुआ, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अकबर के टाइम पर कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे, पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अकबर का मैंने आपको बताया कि अकबर के टाइम पर लगभग 300 कस्बे थे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा टैक्सेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्सेशन। तो बेसिकली अगर हम टैक्सेशन की बात करें, तो टैक्सेशन का मतलब क्या है, टैक्सेशन का मतलब ये है कि कितने तरीके से जो उस टाइम पर मुगल सम्राट थे उनकी इनकम क्या क्या थी। तो बेसिकली टैक्सेशन यानी कि कर जो लगता था, तो उनसे भी जो कर, उनसे भी जो राजस्व वसूली होती थी काफी ज्यादा होती थी, ठीक है ना। तो बेसिकली भूमि कर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जाप्ती, हरसाला, दहसाला, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने भू राजस्व की बात करी थी, तो इसको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। हम और अन्य करों की बात करेंगे, जो और अन्य कर थे वो किस तरीके से बेसिकली लगाए जाते थे, ठीक है। तो भू राजस्व में और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे मैंने आपको बताया था 1/3 वाला कॉन्सेप्ट बताया था, जाप्ती, हरसाला और दहसाला में 1/3 का कॉन्सेप्ट था, 1/3 बेसिकली भाग जो है वो ले लिया जाता था, ठीक है। ओके, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अन्य करों की बात करते हैं। तो उस टाइम पर बेसिकली अन्य करों में आपके जजिया, जकात और खुम्स और खिराज, ये कर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जजिया, जकात, खुम्स और खिराज, ठीक है। अब जजिया कर क्या होता था, ये आप तो सभी लोगों को पता है, जजिया कर सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे यहाँ पर भारत में
आपने अरबों का आक्रमण पढ़ा होगा, तो भारत में जैसे अरब लोग यहाँ पर आए थे भारत में, तो बेसिकली जो मोहम्मद बिन कासिम था तो उसी ने भारत में जजिया कर जो है सबसे पहले लगाया था। तो अब तो खैर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में भी जजिया कर लगा है, उसके बाद हम मुगल सम्राट सम्राटों के बारे में पढ़ रहे हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जजिया कर जो था वो नॉन मुस्लिम पर लगने वाला बेसिकली कर था, यानी कि हिंदू उस टाइम पर होते थे तो हिंदुओं पर ये कर लगता था, एक तरीके से ये धार्मिक कर था। लेकिन अकबर ने जो है इसको समाप्त किया था, और अकबर के समाप्त करने के बाद फिर जब औरंगजेब आता है, अकबर के बाद आपका जहांगीर और शाहजहां, इन लोगों ने जजिया कर नहीं लिया, लेकिन जैसे औरंगजेब आता है, औरंगजेब ने फिर दोबारा से इस कर को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जजिया कर था, जजिया कर ऐसा कर था जो हिंदुओं पर लगने वाला कर था, नॉन मुस्लिम पर लगता था, एक धार्मिक कर था, ये आप याद रखेंगे। ओके, उसके साथ साथ अगर हम बात करें जकात की, कि भाई जकात क्या होता था, तो अच्छा जजिया, जकात से पहले जजिया में भी और काफी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो जजिया के बारे में भी लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि जजिया काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जजिया को आप अगर और थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। तो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि जजिया जो लगता था वो हिंदुओं पर लगता था, और जजिया में बेसिकली हिंदुओं में भी कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो कर से मुक्त थे, जैसे अगर हम ब्राह्मणों की बात करें, साधुओं की, सन्यासियों की बात करें, ठीक है, तो उन पर जजिया कर नहीं लगता था। जो स्त्रियां थी उन पर भी जजिया कर नहीं लगता था, जो अनाथ थे, ऑर्फन जो लोग थे उन पर भी बेसिकली जजिया कर नहीं लगता था। ठीक है ना, आप ऐसा याद रखोगे। ठीक है, लेकिन मुगल शासकों में, मैंने आपसे बताया कि मुगल शासकों में बाबर ने भी जजिया कर लिया है, हुमायूं ने भी जजिया कर लिया है, बाद में जो है अकबर ने नहीं लिया है इसको, धार्मिक कर मैंने आपको बताया था ये धार्मिक कर था। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब ने इसको स्टार्ट कराया 1679 में, और बाद में औरंगजेब के बाद एक शासक हुए फर्रुख शियर, तो फर्रुख शियर ने जो है बाद में इसको बंद कर दिया था। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम जजिया कर की और डिटेल में बात करें, तो जजिया कर का जो निर्धारण था वो बेसिकली तीन श्रेणियों में किया जाता था, और आय के आधार पर बेसिकली ये वसूल किया जाता था, जिस हिंदू की जितनी आय थी उसी के हिसाब से ये जजिया कर लगता था। कहने का मतलब है कि तीन तरीके से ये लगता था, और तीन तरीकों में भी क्या था, बेसिकली उस टाइम पर दिरहम, दिरहम के आधार पर संपत्ति को देखा जाता था, तो जिसकी संपत्ति 10,000 दिरहम से अः 10,000 दिरहम से मतलब ज्यादा थी, ठीक है, तो उसको जो है 48 दिरहम जो है वो जजिया कर देना पड़ता था, और जिसकी बेसिकली 200 दिरहम से 10,000 दिरहम के बीच में संपत्ति थी उसको 24 दिरहम देना पड़ता था, और जिसकी 200 दिरहम से कम संपत्ति थी उसको 12 दिरहम जजिया कर देना पड़ता था। तो ये तो आपकी जजिया कर की बात हो गई, जजिया कर किस तरीके से लिया जाता है इस पर भी आपका कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है, 5 नंबर का शॉर्ट नोट आ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया। उसके बाद जकात कर है, जकात कर भी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये भी धार्मिक कर है, क्योंकि मुसलमानों पर ही लग रहा है कर, तो ये मुसलमानों पर लगने वाला कर था, और स्टार्टिंग में जो है बेसिकली जो मुसलमानों से लिया जाता था तो ये मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लिया जाता था। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर मुगल आए तो मुगलों ने उस टाइम तो बेसिकली उतने ज्यादा मुस्लिम लोग थे नहीं, ठीक है, भारत में हिंदू लोग ही ज्यादा रहते थे, तो बेसिकली उस टाइम पर मुसलमानों की सुरक्षा के लिए कर लिया जाता था। ठीक है, हर तरीके से उनकी सुरक्षा करने के लिए ये कर लिया जाता था, मुगल बादशाह जो होते थे वो बेसिकली वादा करते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन बाद में आप जैसे जैसे देखेंगे कि बाद में जैसे जैसे बेसिकली धर्म परिवर्तन हुआ, ठीक है, मतलब जो यहाँ के हिंदू थे उनको बेसिकली मतलब उन्होंने इस्लाम धर्म में उनको कन्वर्ट कराया गया, तो धीरे धीरे हमने देखा कि इस तरीके से जो कन्वर्जन की पॉलिसी चली, तो कन्वर्जन के बाद यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम जनसंख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और जब मुस्लिम जनसंख्या भारत में बढ़ गई तो उस टाइम पर जो है ये कर जो है मुसलमानों से भी अच्छी तरीके से लिया जाने लगा। मैंने आपको बताया कि पहले केवल ये संपत्ति की सुरक्षा के लिए था, और बाद में जो है ये कंपलसरी कर दिया था, मतलब बाद में केवल ये जो है आयात और सीमा शुल्क के रूप में जो है एक तरीके से लिया जाने लगा। ओके, उसके बाद में हम खुम्स की बात करेंगे, खुम्स भी एक कर होता था, तो बेसिकली खुम्स जो था आप ऐसा समझेंगे कि जो लूट होती थी उस टाइम पर, जो लूट होती थी तो लूट में जो माल होता था तो उस पर बेसिकली ये कर लगता था। ठीक है,
और जो लूट में बेसिकली चीजें मिली हैं, तो 1/5 भाग जो है वो राज्य को जाता था और 4/5 भाग जो था वो सैनिकों को जाता था। ठीक है, उसी के साथ हम खिराज की बात करेंगे। तो खिराज जो है बेसिकली खिराज जो है वो भूमि पर लगने वाला एक कर था, भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार ये लिया जाता था। और ये भी मैंने जैसे आपको बताया कि पहले मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, और जैसे बाद में मुसलमान बढ़े तो उनसे ये लिया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सिक्कों की, कि मुगल काल में सिक्के कितने तरीके के थे, मतलब मुद्रा प्रणाली जो थी वो किस तरीके की थी। तो बेसिकली मुगल काल आते आते या मुगल काल में जो आपकी मुद्रा प्रणाली थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो पहले के शासक थे जैसे शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी हालांकि अफगान शासक था तो उसको मुगल में हम नहीं रखेंगे, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो हुमायूं के टाइम पर रहेगा। हुमायूं के टाइम पर वो दिल्ली का शासक था। तो बेसिकली अगर हम सिक्कों की बात करें तो सिक्के भी जो थे, जो मुद्रा प्रणाली थी वो शेर शाह सूरी ने भी काफी अच्छी विकसित कर ली थी, काफी ज्यादा डेवलप कर ली थी। और मुगल काल में जो सिक्के थे हमारे पास वो सोना, मतलब गोल्ड और सिल्वर और कॉपर, सोना चांदी और तांबा, तीनों तरीके के हमें सिक्के देखने को मिलते हैं। अगर हम मुगल काल के फेमस सिक्कों की बात करें जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, तो अकबर के चलाए हुए जो सोने के सिक्के थे तो वो तीन तरह के सिक्के थे। पहला मुहर, मुहर जो मुहर भी एक सिक्का होता था, और ये सबसे आरंभ में जो है वो अकबर ने स्टार्ट किया था। जो एक मुहर होती थी वो लगभग 9 रुपए के बराबर होती थी और बहुत ज्यादा प्रचलन में था ही अकबर के टाइम पे, अकबर के स्टार्टिंग टाइम पर। लेकिन बाद में जो है एक और सिक्का निकाला अकबर ने, वो भी सोने का था, जिसका नाम था शंसर। शंसर भी बहुत ज्यादा फेमस सिक्का था और सबसे बड़ा सिक्का था, 101 तोले का था। ठीक है, और बड़े लेन देन में इसका यूज होता था, छोटे लेन देन में यूज नहीं होता था इसका। कहीं बड़ा व्यापार करना है, बड़ा लेन देन करना है तो उसमें बेसिकली ये सिक्का यूज होता था। वैसा भी आपको पता ही होना चाहिए कि सोना बड़े ही लेन देन में यूज होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे सिक्के जो हैं, चाहे वो इलाही है, इलाही सिक्का भी जो है वो अकबर स्टार्ट करता है। इलाही जो सिक्का है वो गोलाकार सिक्का था और 1 इलाही = 10 रुपीज, 10 रुपए के ये बराबर था। ये भी बड़े लेन देन में ये इस्तेमाल होता था। इसका जो प्रचलन था वो भी बड़े लेन देन के लिए था। रुपए की बात करेंगे, ठीक है, रुपया जो है वो भी आज के टाइम पर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तरीके से यूनिट है। आज के टाइम पर भी जो भारतीय रुपया है, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं। ओके, रुपए की बात करता हूं तो जो मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था थी तो उसका आधार क्या था, उसका आधार रुपया था। और रुपया स्टार्टिंग में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो शेरशाह सूरी ने ही किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी बहुत शक्तिशाली शासक था, उसने भी काफी ज्यादा विकास किया है, काफी ज्यादा अमेंडमेंट किया है उसने। ठीक है, तो रुपया जो इंट्रोड्यूस किया था वो शेरशाह सूरी ने ही किया था, और शेरशाह सूरी को देखकर ही मुगल बादशाहों ने जो है रुपए को अपनी मुद्रा व्यवस्था का आधार बनाया। रुपया जो होता था वो चांदी का मानक सिक्का होता था, 175 ग्रेन का था। ठीक है, बाद में 180 ग्रेन भी हो गया था ये। तो रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम कोई भी सिक्का पढ़ेंगे तो उसका कंपेयर रुपए से करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अन्य सिक्का देखते हैं, अन्य सिक्कों में दाम था, दाम तांबे का सिक्का था, इसको भी अकबर ने जारी किया था। और एक दाम 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था, यानी कि रुपए के दाम जो होता था वो रुपए के 40वें भाग के बराबर था, ऐसा आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जीतल था, जीतल भी तांबे का सिक्का था, और जीतल जो होता है वो सबसे छोटा सिक्का उसको माना जाता था। और एक जीतल जो होता था वो 25 मतलब दाम के 25वें भाग के बराबर था। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। ओके, दाम के 25वें भाग के बराबर था, यानी कि 1 दाम = 25 जीतल, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम टकसाल का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ठीक है, टकसाल का मतलब हो गया, अगर टकसाल कि मैं बात करूं, टकसाल आप समझ सकते हो कि जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, ठीक है ना, जो जितने भी सिक्के बन रहे हैं उनको ढाला जाता है। तो बेसिकली टकसाल उस टाइम पर टकसाल हुई थी। अगर मैं बात करूं तो आगरा फतेहपुर सीकरी में बहुत बड़ी टकसाल थी, बाद में जो है दिल्ली में भी टकसाल बनाई गई थी। ठीक है, मुगल काल में बहुत सारी टकसालों का हमें जिक्र मिलता है। मैंने आपको बताया टकसाल वो फैक्ट्री है, वो जगह है, ठीक है, जहां पर मुगल कालीन सिक्कों को बनाया जाता था, सिक्कों को ढाला जाता था बेसिकली।
तो अगर हम टकसालों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि मुगल काल में बहुत सारी टकसाल थी। औरंगजेब की अगर मैं बात करूं तो औरंगजेब के समय पर, औरंगजेब के टाइम पर बहुत ज्यादा टकसाल हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सोने के सिक्कों की बात करें तो सोनू चार टकसालें थी जहां पर सोने के सिक्के ही केवल बनते थे, 14 टकसालें ऐसी थी मुगल साम्राज्य में जहां पर चांदी के ही सिक्के बनते थे, और 42 टकसालें ऐसी थी जहां पर तांबे के ही सिक्के बनते थे, क्योंकि तांबा जो है वो बहुत ज्यादा यूज, तांबे के सिक्के बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे, छोटे लेन देन में यूज किए जाते थे, तो इसलिए सबसे ज्यादा तांबे का प्रचलन था, तांबे के सिक्कों का प्रचलन था, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो टकसाल देखने को मिलेंगी हमें तांबे की ही देखने को मिलेंगी। हमें पता कैसे चलता है इन टकसालों का? अबुल फजल से ही बेसिकली हमें पता चलता है। और टकसाल का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था उसको हम दरोगा बोलते थे, मैंने लिखा भी है यहाँ पर एरो लगा के, दरोगा। दरोगा जो था टकसाल का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, क्योंकि हम अभी ये मुद्रा प्रणाली की बात कर रहे हैं, हालांकि मैंने हुंडी प्रथा आपको बता दिया था पहले भी, तो हुंडी का मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि पेपर या चिट्ठी वस्तु विनिमय के लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक है, तो यानी कि ये भी जो पेपर था ये भी जो है एक तरीके से विनिमय के लिए यूज होता था, ऐसा आप याद रखेंगे। हुंडी प्रथा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। उसके बाद हम कुछ और सिक्के भी देखने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे जलाली सिक्का था, ठीक है, जलाली सिक्के से आपको याद रहेगा जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, तो जलाली सिक्का भी क्या था, अकबर ने ही स्टार्ट किया था, चांदी का सिक्का था और ये स्क्वायर शेप में होता था, मतलब चकोर होता था। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे, चांदी का सिक्का था बेसिकली। ऐसे ही एक सिक्का था निसार, निसार तांबे का सिक्का था और रुपए के चौथाई के बराबर था, यानी कि 1 रुपया इक्वल टू 4 निसार, इसको जहांगीर ने चलाया था। ठीक है, उसके साथ साथ अगला सिक्का है आना। आना जो था वो दाम और रुपए के बीच का सिक्का था। ठीक है, दाम और रुपए के बीच में जो चलन में था वो आना था। ठीक है, यानी कि रुपए से छोटा और दाम से बड़ा बेसिकली था ये। ठीक है, और कुछ कुछ बात करते हैं। अभी तो हमने सिक्कों की बात कर ली, किस तरीके के सिक्के थे, कैसे थे, कौन सा ज्यादा प्रचलित था, उसके साथ साथ अगर हम सिक्कों पे देखें कि क्या क्या होता था, तो अकबर के सिक्कों की अगर हम बात करें तो अकबर के सिक्कों पर मैंने आपको बताया कि अकबर काफी सहिष्णु था। ठीक है, अकबर काफी काफी ज्यादा लिबरल था, वो हिंदुओं को भी बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छा व्यवहार करता था, उनसे अच्छे अच्छे मनसब देता था। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो मुस्लिम होते हुए भी जो हिंदू धर्म है, ठीक है, तो हिंदू धर्म की बहुत सारी चीजें हमें अकबर के सिक्कों पर दिखाई देती हैं। जैसे अकबर के सिक्कों पर सीता और राम की मूर्ति होती थी, सूरज और चंद्रमा की भी आकृति उसके सिक्कों पर हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही अगर हम जहांगीर के सिक्कों की बात करें तो जहांगीर के सिक्कों पर हमें शराब का प्याला लिए हुए जहांगीर हमें दिखाई देता है। जहांगीर के कुछ सिक्कों पर हमें शराब का प्याला लिए हुए जहांगीर की आकृति हमें दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। पहले सिक्कों पर कलमा भी खुदवाया जाता था, तो कलमा खुदवाना औरंगजेब ने बंद कर दिया था, और बाद में जो है ये पोइट्री कुछ जो पंक्तियां थी, मीर अब्दुल बाकी शाहबाई एक व्यक्ति थे, तो उनकी जो है ये पद या कुछ पंक्तियां, कुछ लाइंस जो है अपने सिक्कों पर लिखवाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने हर एंगल से मुगल साम्राज्य का, हमने बेसिकली जो आपका मुगल इकोनॉमी है, हर हर पहलू को हमने जानने की कोशिश कर ली है, हर तरीके से हमने पढ़ लिया है। एक बार और मैं थोड़ा थोड़ा आपको मोटे तौर पे बताऊंगा, 10 मिनट में मैं सारी चीजें रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, क्या क्या चीजें कैसे आपको याद रखना है, बेसिकली क्या क्या आपको लिखना है। अगर आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अगर आप ये सारी चीजें लिखते हैं तो आपको आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली थोड़ा सा एक बार और दृष्टि डाल देते हैं। ओके, मैंने आपको मुगल अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ा रहा हूं, और मुगल अर्थव्यवस्था के जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हमें ऐसी कौन सी चीजें जिससे हमें पता चलता है। सबसे पहले तो
आपको पता होना चाहिए ना कि हमें कहाँ से कौन कौन से सोर्सेस हैं हमारे पास जहाँ से हमें पता चलता है मुगल इकोनॉमी के बारे में। तो मैंने सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करी है कि अबुल फजल की आयने अकबरी थी, जिससे हमें काफी सारी चीजों का पता चला है। वहां पे किस तरीके की क्रॉप्स होती थी, उनके प्राइसेस कैसे थे, वेजेस कैसे थे उस टाइम के लोगों के, उस टाइम पे रिवेन्यू क्या क्या थे, रिवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। उसके साथ साथ और भी दस्तावेज हमें मिले हैं, और भी हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो सरकारी फरमान है जो उस टाइम के शाही शासक जारी करते थे, ठीक है, उनके आधार पर भी हम बता सकते हैं कि उस टाइम का जो अर्थव्यवस्था थी वो किस तरीके की रही होगी, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर यूरोपियन भारत में आ चुके थे, ठीक है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1600 के बाद तो भारत में पूरा अंग्रेज यहाँ पर आ गए थे। अंग्रेज, अगर मैं अंग्रेज बोल रहा हूँ तो इसका मतलब अंग्रेजों का मतलब ही ब्रिटेन के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश मतलब ब्रिटेन, ठीक है ना। ओके मतलब अंग्रेजी, अगर मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज बेसिकली बोला जाता है ब्रिटेन के लोगों को, ठीक है। तो हमने अर्थव्यवस्था को बहुत सारे पहलुओं में जाने की कोशिश करी है। मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था मुगल साम्राज्य में, तो एग्रीकल्चर के हमने सारे पहलुओं को पढ़ा। एग्रीकल्चर बेसिकली, एग्रीकल्चर में हमने भूमि को देखा, किस तरीके की लैंड थी, चार तरीके की हमने लैंड देखी है। आगे मैं और देखने की कोशिश करूंगा, आपको और नीचे लेके जाऊंगा। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या क्या थे, क्या क्या उस टाइम पर उपज होती थी, उस टाइम के किसान थे उनकी दशा क्या थी, किस तरीके की कंडीशन थी, उनके पास अपनी जमीन थी कि नहीं, जिनके पास जमीन थी अपनी अपने ही गाँव में थी उनको क्या बोलते थे, ऐसे किसान जिनके पास अपने गांव में नहीं बल्कि दूसरे गांव में जमीन या दूसरी जगह जमीन होती थी उनको क्या बोलते थे, जिन किसानों के पास जमीन नहीं होती थी उनको क्या बोलते थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको नीचे पढ़ाने की कोशिश करी है। इरिगेशन के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि इरिगेशन का क्या कंडीशन थी उस टाइम पर। इरिगेशन जब हमने पढ़ा तो हमने बेसिकली गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों के लेवल पर इरिगेशन को पढ़ने की कोशिश करी। उसके बाद हमने भू राजस्व यानी कि लैंड रिवेन्यू को पढ़ने की कोशिश करी। लैंड रिवेन्यू भी बेसिकली मुगल इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने उद्योग धंधों की बात करी। उद्योग धंधे मतलब उस टाइम की जो इंडस्ट्री थी वो कौन कौन सी इंडस्ट्री थी, इसके बारे में भी हमने जानने की कोशिश करी। व्यापार और वाणिज्य की हमने बात करी है। व्यापार और वाणिज्य ट्रेड, किस तरीके का ट्रेड था, आयात और निर्यात किस तरीके से होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमने बेसिकली इसी में पढ़ा है, ट्रेड एंड कॉमर्स में, ठीक है। उसके साथ साथ हमने अर्बनाइजेशन की बात करी, नगर शहरीकरण की बात करी, कैसे कैसे केंद्र थे, मैंने आपको बताया प्रशासनिक केंद्र थे कुछ जो बड़े बड़े शहर बन गए थे आज के टाइम पे, वो वही बहुत बड़े बड़े शहर हैं। कुछ वाणिज्यिक केंद्र थे जहाँ पे प्रोडक्शन होता था, मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन होता था। कुछ ऐसी जगह थी जो तीर्थ स्थली थी, ठीक है, जहाँ पर बेसिकली तीर्थयात्री जाते थे, और वो जो है धीरे धीरे बहुत बड़े शहर हो गए, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा है। साथ ही साथ कर व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा है, टैक्सेशन के बारे में पढ़ा है, और सिक्कों के बारे में पढ़ा है। सिक्कों के बारे में जब मैंने बताया आपको, सिक्कों के बारे में जब पढ़ा था, सिक्कों के बारे में मैंने सारी चीजें बताई, टकसाल भी बताया कि कहाँ कहाँ पर मतलब कितने टकसाल थे, टकसाल क्या होते हैं, और कितने थे और तांबे के कितने, ये सारा जिक्र किया है। तो सबसे पहले उसी पर चलें, यानी कि भू राजस्व जो और चाचर, ठीक है। मैंने आप जो हमने ये क्लास कृषि को देखा, तो पोलर उत्तम प्रकार की, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ष पर पूरे साल हमें खेती मिलती थी, रबी और खरीफ की फसल परती पर एक साल छोड़कर फसल उगाई जाती थी, चाचर पर 3 से 4 साल छोड़कर फसल उगाई जाती थी, बंजर पर 4 से 5 या उससे ज्यादा वर्ष बाद जो है फसल उगाई जाती थी, ऐसा हमने देखा। कृषि उत्पाद हमने देखे, रबी और जो आपकी खरीफ की फसल है उसका जिक्र बेसिकली हमें जो आईने अकबरी है उसमें मिला है, ठीक है, जो राजस्व रिकॉर्ड मिले हैं कि इतनी फसलें होती थी, ठीक है, जो एटेबल आइटम्स थे क्या,
के उगते थे इस टाइम को लाल में, याद रखिए। साथ ही साथ नील की खेती होती थी। नील की खेती कहां से होती थी ये भी मैंने आपको बताया, तंबाकू और मक्का ये पहले भारत में नहीं होते थे, पुर्तगाली तंबाकू को भारत में लेके आए और मक्का अमेरिका से भारत में आया, जहांगीर के टाइम पर इसकी खेती स्टार्ट हो गई, ये भी मैंने आपको बताया। नकदी फसलें क्या होती हैं, जिनसे जिन पर ज्यादा टैक्स लगता है और नकद में वसूली होती है, इनको बेसिकली कैश बेसिकली क्रॉप भी बोलते हैं, गन्ना कपास नील और रेशम ये सारी चीजें हैं। फिर मैंने कृषक वर्ग के बारे में आपको बताया, कृषक वर्ग मतलब किसान कितने तरीके के थे, खुद काश्त वैसे किसान थे जो अपने ही गांव में खेती करते थे, स्थायी खेती होती थी इनकी, वंशानुगत होती थी। पाही कास्त जिस गांव में रहते थे उस गांव में इनकी खेती नहीं होती थी, दूसरे गांव में जाकर ये खेती करते थे, दूसरे गांव में इनकी जमीन होती थी, ठीक है। मुजारी मुजारियान मुजारियान ऐसे किसान थे जो जिनकी अपनी खेती नहीं होती थी, वो खुद काश्त लोगों की जमीन को लेकर बेसिकली बटाई पर लेकर यानी कि किराए पर बेसिकली खेती करते थे। सिंचाई व्यवस्था को मैंने बता दिया, सरकार द्वारा और व्यक्तिगत रूप से तालाब झील कुएं, रहट रहट का भी मैंने जिक्र बताया आपको, तुजू के बाबरी में हुआ है और उस टाइम पर रहट काफी ज्यादा फेमस था। उसके बाद सरकार द्वारा नहरों को बनवाया जाता था, सबसे पहले तुगलक वंश में नहरें बनी थी, उसके बाद हमने देखा फिरोज शाह तुगलक ने 4 नहरें बनवाई थी, इन्हीं नहरों का जो है मुगल मुगल जो साम्राज्य है, मुगल जो शासक है उन्होंने भी इन नहरों का यूज किया जो तुगलक वंश में बनी थी, और इनका जो है इनको रिनोवेट भी किया, इनकी मरम्मत कराई, जैसे शाहजहा की मैंने बात करी, नगर ए फैज, नहर ए फैज और नहर ए शाह, ये 2 नहर बेसिकली शाहजहा ने बनवाई, ठीक है। हालांकि नहर ए शहर तो ऑलरेडी बनी हुई थी जिसका नाम था नहर ए साहिब, जो फिरोज शाह ने बनवाई थी उसी को ठीक करा के इसने जो है इसका नाम बदल के नहर ए शाह कर दिया था। भू राजस्व की हमने बात करी थी, भू राजस्व का मैंने बताया था 2 तरीके से, केंद्रीय आय और स्थानीय आय के रूप में हम भू राजस्व को देखते हैं। भू राजस्व में हमने भूमि के बंटवारे की बात करी थी, 3 तरीके से भूमि को बांटा था, खालिसा भूमि, जागीर भूमि और मदद ए मास। खालिसा भूमि शाही भूमि होती थी जिस पर जो राजस्व आता था, जो टैक्स लगता था वो सीधे ही शाही खजाने में जाता था। जागीर भूमि मैंने बताया था जो उस टाइम पर बेसिकली सरदार थे या मनसबदार थे उनको जो जागीर भूमि दी जाती थी, तो वो खुद क्या करते थे, वो टैक्स वसूल करते थे। मदाते मास वो विद्वानों या धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी, वंशानुगत होती थी, इस पर टैक्स नहीं लगता था। जापती हरसाला मैंने ये भी एक प्रणाली बताई थी आपको टैक्सेशन की, सबसे पहले शेरशाह ने स्टार्ट किया था, बाद में अकबर इसको मुगल साम्राज्य में इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये भूमि उत्पादन का 1/3 भाग थी। उसी के साथ साथ बटाई और गल्ला बख्शी का भी मैंने जिक्र किया था, और 3 तरीके से बटाई या गल्ला बख्शी करी जाती थी यानी कि राजस्व निर्धारण किया जाता था। अगर खड़े हुए मतलब फसल कटने के पहले, जैसे फसल खड़ी हुई है पक गई है, पकने को तैयार है, तो उसी टाइम पर जब कर का निर्धारण कर दिया जाता था तो बेसिकली उसको खेत बटाई बोलते थे, ठीक है। फसल काटने के बाद जब गट्ठर बना दिए जाते थे तो गट्ठरों का बंटवारा करा जाता था, ठीक है, 1/3 भाग जो है वो राज्य को चले जाते थे गट्ठर, तो उसको लंक बटाई बोलते थे, राशि बटाई। राशि बटाई का मतलब जब हमने सब कुछ ले लिया, मतलब हमारे पास गेहूं आ गया, ठीक है, हमने गट्ठर से भी गेहूं निकाल लिया, तो गेहूं का जब हम बंटवारा कर रहे हैं 1/3 भाग जो है अनाज का वो राजस्व के रूप में चला गया, तो उसको हमने राशि बटाई बोला। टेक्निकल है, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आसान है। आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके, गेहूं का एग्जाम्पल लेके, या कोई भी फसल जो आपके आपको याद हो कि किस तरीके से वो फसल होती है, तो उसके आधार पर आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। भूमि की माप का मैंने बताया कि बीघा जो थी क्षेत्रफल की इकाई थी, और बिस्वा से ही बीघा आया है, बिस्वा जो है अलाउद्दीन खिलजी लेके आए थे, और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर थे, खिलजी वंश में, दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली मुगल साम्राज्य में भी बहुत सारी चीजें ऐसी ले ली हैं मुगल सम्राटों ने जो पहले हो चुकी थी, ठीक है, जैसे बीघा जो है वो बिस्वा से आया है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। ऐसे ही भूमि को नापने के लिए जो बेसिकली उस टाइम पर यूज होता था स्टार्टिंग में, सिकंदरी गज, या उसको बोलते थे गज ए सिकंदरी, तो गज ए सिकंदरी का इस्तेमाल होता था, और बाद में जो है गज ए सिकंदरी की जगह अकबर ने उसका उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको गज ए इलाही नाम दे दिया, या इलाही गज नाम दे दिया, और थोड़ा सा चेंज ही देखेंगे आप, जो सिकंदरी गज था वो 39 अंगुल का यानी कि 32 इंच का होता था, और गज ए इलाही लगभग 33.5, ठीक है, 35.5 इंच का ये होता था, 1.5 इंच का अंतर है, और नाम चेंज करके गज ए इलाही कर दिया है अकबर ने।
आईने दैसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टोडरमल की व्यवस्था है ये। टोडरमल मैंने आपको बताया कि ये शेरशाह सूरी के टाइम पर था और बहुत इंटेलेक्चुअल था, और इसने ऐसा बंदोबस्त किया जिससे किसी भी किसान को दिक्कत ना हो। पिछले 10 सालों की फसल का एवरेज निकाल के और उसका 1/3 भाग जो है ये लेता था, मतलब ये जो है इसको आधार बनाया गया भूमि राजस्व का। इससे किसान भी परेशान नहीं होते थे, तो ये काफी ज्यादा फेमस प्रणाली थी। इसके बारे में भी आपके कभी कभी छोटा क्वेश्चन आ जाता है लिखने के लिए, तो इसको भी याद रखेंगे। और दोनों तरह की भूमि पर लगता था ये, खालिसा और जागीर दोनों भूमि पर लगता था। ओके, उसके बाद मैंने उद्योग धंधों के बारे में बताया, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताया, कहाँ कहाँ पर ये होता था, सबसे ज्यादा उन्नत था, विदेशों में इसकी बहुत मांग थी, गुजरात बंगाल और उत्तर प्रदेश में इसके केंद्र थे जहां पर ये काफी ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता था। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि ऊनी वस्त्र उद्योग भी काफी फेमस था, जहांगीर ने अमृतसर में इसका शुभारंभ किया था। इसके जो केंद्र थे बेसिकली कश्मीर, पंजाब और कुमायूं, कुमायूं भी मैंने बताया कहां पर है, बेसिकली जो आज के टाइम पे उत्तराखंड है उसके दो रीजन है, गढ़वाल और कुमायूं, ठीक है। और गढ़वाल जो रीजन है वो बेसिकली आपका जो देहरादून हरिद्वार वाला एरिया है वो गढ़वाल रीजन में आता है, या ऋषिकेश वाला एरिया है, और जो नैनीताल वाला एरिया है वो कुमाऊं रीजन में आता है, ठीक है। तो बेसिकली उस टाइम पर जो कुमाऊं रीजन था तो वहां पर भी ऊनी वस्त्र उद्योग होता था। ओके, रेशम वस्त्र उद्योग का मैंने आपको बताया, रेशम वस्त्र उद्योग के केंद्र थे आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका, अहमदाबाद। यहाँ पर भी मतलब भारत में उस टाइम पर मुगल साम्राज्य में उस टाइम पर रेशम वस्त्रों का काफी ज्यादा डिमांड थी, और जो बड़े बड़े लोग होते थे वो रेशम के वस्त्र पहनते थे, रेशम के वस्त्रों पर वो आभूषणों को डालते थे, उस पर बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट रहते थे। तो इस तरीके से काफी ज्यादा शाही प्रचलन था रेशमी वस्त्रों का एक तरीके से, और रेशमी वस्त्रों को पटोला बोला जाता था। और यहाँ पर भारत में उतना रेशम नहीं होता था जितनी यहाँ पर डिमांड थी, तो बेसिकली रेशम को या रेशमी कपड़े को बेसिकली बाहर से मंगाया जाता था और यहाँ पर उसको सिला जाता था या उसको बनाया जाता था। उसके बाद में हमने गुड़ और चीनी की बात करी, गुड़ और चीनी की भी काफी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। बंगाल और गुजरात की बात करें, बंगाल, गुजरात और पंजाब में बेसिकली बहुत ज्यादा गुड़ का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। उसके बाद मिट्टी के बर्तनों की भी फैक्ट्रियां थी, दिल्ली, बनारस और चुनार। ये बनारस और चुनार उत्तर प्रदेश में जगह है, दिल्ली आपको पता है, तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन काफी ज्यादा बनते थे। तांबे की बात करी, तांबे की बात करी तो हमने राजस्थान का जिक्र किया, राजस्थान बहुत पुराने टाइम से ताम्र पाषाण जो संस्कृति है, ठीक है, तो वहां से ही राजस्थान देखने में आता है कि राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृतियां थी, ठीक है, कल्चर था। तो राजस्थान में यहाँ पर भी मतलब मुगल काल में भी राजस्थान जो है तांबे के लिए काफी ज्यादा फेमस था, और राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, तांबे का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता था। साथ ही साथ मध्य भारत में भी तांबे का प्रोडक्शन होता था। तांबे के प्रोडक्शन से मैंने आपको बताया आगे कि तांबे की क्या क्या यूज होते थे, जैसे वस्त्रों के लिए आभूषण, वस्त्रों पे लगाने के लिए, ठीक है, साथ ही साथ बर्तन बनाने के लिए, सिक्कों को बनाने के लिए तांबे का यूज होता था, ठीक है। उसके बाद में हीरा, हीरे का जिक्र करते हैं, तो गोलकुंडा का हमने जिक्र किया, गोलकुंडा से हमने कोहिनूर हीरे की बात करी। मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर आपका नादिर शाह था और अहमद शाह अब्दाली, वो यहाँ पे काफी ज्यादा लूट करी थी, और नादिर शाह यहाँ से आपका तख्ते ताऊस कोहिनूर हीरा बेसिकली यहाँ से ले गया था। और हीरे की अगर मैं बात करूं तो छोटा नागपुर भी हीरे के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, वहां से भी हीरा हमें मिलता है। साथ ही साथ कुछ सुगंधित तेल, ठीक है, और गुलाब जल और इत्र की बात करेंगे तो ये भी काफी ज्यादा यूज होता था उस टाइम पर, और जौनपुर और गुजरात बेसिकली वहां पर इन सब चीजों का प्रोडक्शन होता था। जहाज उद्योग, ठीक है, जो शिप इंडस्ट्री थी वो भी ज्यादा काफी ज्यादा फेमस हो गई थी, अकबर के टाइम तक तो नहीं थी, अकबर के बाद बेसिकली फेमस हुई है, तो उस टाइम पर जहाज भी बेसिकली बनने लगे थे भारत में मुगल साम्राज्य में। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करी हमने, व्यापार वाणिज्य की बात करी, तो मैंने बताया आपको थोक व्यापारी जो होते थे, खुदरा व्यापारी होते थे, चेटी दक्षिण भारत में होते थे। थोक व्यापारी में सेठ, बोहरा और मोदी का मैंने जिक्र किया, और साथ ही साथ मैंने आपको बिरजी बोहरा के बारे में बताया था। बिरजी बोहरा बहुत बड़े व्यापारी थे, और वो जो थे बेसिकली गुजरात के थे, सूरत में उनका व्यापार था, और उनके बहुत सारे जहाज थे उनके पास, और बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा उनके पास पैसा था उस टाइम की, ईस्ट इंडिया कंपनी के से ज्यादा पैसा उनके पास, ठीक है।
ऐसे ही खुदरा व्यापारियों की बात करें, मतलब रिटेल जो ट्रेडर हैं उनकी हम बात करें तो उनको व्यापारी या वानिक बोला जाता था। चेटी बेसिकली दक्षिण भारत में फेमस थे व्यापारी। हुंडी, हुंडी का मैंने जिक्र कर दिया, एक पत्र होता था या चिट्ठी होती थी जो विनिमय का, एक्सचेंज का एक माध्यम होता था, ठीक है, जिसको कोई सर्राफ बहुत मतलब एक छोटे समय अवधि के लिए इसको जारी करता था, ठीक है, और एक तरीके से ऋण पत्र होता था, ठीक है, जब किसी को कोई सामान खरीदना होता था कहीं दूसरी जगह जाकर, तो बेसिकली हुंडी का वो लोग यूज करते थे। सर्राफ मैंने आपको बताया बैंक की तरह काम करता था, लेन देन का विशेषज्ञ था, ये भी एक तरीके से एक व्यक्ति था। निर्यात और आयात की बात करी, निर्यात में मैंने आपको बताया कि जो जो चीजें भारत में होंगी उनका निर्यात होगा, जो भारत में अच्छी होंगी और भारत से बाहर उनकी डिमांड होगी तो वो निर्यात में आएंगी। नील, सूती वस्त्र, अफीम, शोरा, तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली निर्यात में रखते हैं हम। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है, मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी थी उसका लगभग 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 मोटे तौर पे 24-25% जो थी वो मुगल इकोनॉमी थी, केवल और केवल। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो मुगल इकोनॉमी थी वो अपने आप में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। मैंने अगर आज की भी बात बताई थी मैंने आपको, मैंने बोला था टूडेज वर्ल्ड, अगर आज की बात करें तो जो अमेरिका है, अमेरिका के पास पूरे वर्ल्ड की लगभग 19% इकोनॉमी है। तो इसका मतलब उस टाइम में जो भारत था तो भारत अपने आप में मतलब इतना ज्यादा समृद्ध था, ठीक है। अगर हम थोड़े से ऐसा आप समझने की कोशिश करो कि जो कंट्री ज्यादा निर्यात करेगा, ठीक है, और आयात कम करेगा तो वो ज्यादा अमीर होगा। जैसे हम चीन को देखें तो चीन क्या करता है, निर्यात ज्यादा करता है अपनी कंट्री से। हम या कोई भी कंट्री चीनी सामान इतने ज्यादा खरीदते हैं तो उससे चीन अमीर होता है, चीन के पास पैसा जाता है, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य में भी हमारा निर्यात ज्यादा था, आयात कम था, आयात की वस्तुएं कम थी, निर्यात की ज्यादा थी। मैंने यहाँ पर जो मेन मेन है वो लिखने की कोशिश करी है, बाकी बाकी बहुत ज्यादा चीजों का निर्यात होता था। जैसे मैंने आपको सोने के वस्त्रों का मतलब आभूषणों का बताया कि सोने के आभूषण भी यहाँ से बन के जाते थे विदेशों में, ठीक है। आयात और निर्यात पर 3.5% आपका टैक्स लगता था, ठीक है, इसकी भी हमने बात करी। नगरीकरण की बात करी, किस तरीके से शहर विकसित हुए, गाँव से कस्बे बने, कस्बे से बड़े बड़े शहर विकसित हुए, उसके क्या क्या कारण थे, उन शहरों का भी हमने जिक्र किया, ठीक है। साथ ही साथ हमने कर व्यवस्था का जिक्र किया, भूमि कर का जिक्र किया, उसके साथ अन्य करों का जिक्र किया। भूमि कर का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जजिया, जकात, ये धार्मिक कर थे, इनका हमने जिक्र किया। और साथ ही साथ हमने जब जकात का जिक्र किया तो मैंने बताया मुसलमानों पर लगने वाला कर था, सुरक्षा कि मतलब संपत्ति की सुरक्षा के लिए लगा था, बाद में मुगल सम्राटों ने आयात और सीमा शुल्क के रूप में बेसिकली इसको वसूल किया था। खुम्स जो था वो लूट के माल पर लगता था, 1/5 राज्य को जाता था, 4/5 सैनिकों को जाता था। खिराज भी एक तरीके से भूमि पर या भूमि के क्षेत्र पर लगने वाला कर था। पहले ये मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, मुसलमानों की भूमि से नहीं लिया जाता था, केवल ये हिंदुओं से, नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन हुआ, ठीक है, धर्म परिवर्तन हुआ बहुत लोगों का, तो मुसलमानों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली गई और बढ़ गई तो बाद में जो है ये मुसलमानों से भी लिया जाने लगा। सिक्कों की बात करी थी, सोने चांदी तांबे के सिक्कों की बात करी थी, मैंने बताया था 3 सिक्के अकबर चलाए हुए जो सोने के सिक्के थे, मुहर, शंसब, इलाही बहुत ज्यादा फेमस थे। शंसब और इलाही तो बहुत फेमस था, आरंभ के दिनों में मुहर भी फेमस था, 9 रुपए के बराबर था। शंसब सबसे बड़ा सिक्का था सोने का, 101 तोले के बराबर था, और इलाही जो था गोलाकार सिक्का था, 10 रुपए के बराबर था। इलाही और शंसब यानी कि बेसिकली आप ये जानोगे कि सोने के जो सिक्के हैं वो बेसिकली बड़े लेन देन में यूज होते थे। रुपए का बैकग्राउंड मैंने बताया कि शेरशाह सूरी ने रुपए को सबसे पहले रुपए का इस्तेमाल किया था, रुपए का इंट्रोड्यूस किया था जो मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार बना, और हमारी जो भारतीय व्यवस्था है उसका भी आधार रुपया ही है। दाम मैंने बताया और जीतल दोनों तांबे के सिक्के थे, अकबर ने चालू कराया था, 40 वें भाग के बराबर था रुपए के दाम, और जीतल जो था वो दाम के 25 वें भाग के बराबर था। टकसाल का मैंने जिक्र किया, सबसे पहले जो टकसाल बनी थी फतेहपुर सीकरी आगरा, और फिर बाद में दिल्ली में लेके आई गई टकसाल दिल्ली में बनी, और औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज्यादा टकसाल थी हमारे भारत में मुगल साम्राज्य में, और उस टाइम पर 4 जो टकसालें थी वो सोने के सिक्के, केवल और केवल सोने के सिक्के बनते थे। 14 टकसालें ऐसी थी जहां पर चांदी के सिक्के बनते थे, 42 ऐसी टकसालें थी हमारे पास जहां पर तांबे के सिक्के बनते थे। कहां से हमें इसकी जानकारी मिली है, अबुल फजल
से ही हमें ये जानकारी मिली है। ठीक है, अबुल फजल ने जो जो लिखा है तो उसने बेसिकली मुगल साम्राज्य के बारे में काफी कुछ लिखा है और मुगल राजस्व के बारे में भी लिखा है। तो अबुल फजल के दस्तावेजों से बेसिकली अबुल फजल से ही हमें ये जानकारी मिलती है। हुंडी का मैं बता चुका हूँ। जलाली, जलाली मैंने बताया चांदी का वर्गाकार सिक्का था। चकोर, वर्गाकार या चकोर सिक्का था, अकबर ने चलाया था। निसार, ये भी तांबे का सिक्का था। एक निसार, 1 रुपया इक्वल टू 4 निसार के बराबर था। इसको जहांगीर ने चलवाया था। आना, आने का भी मैंने बताया आपको, दाम और रुपए के बीच का सिक्का था। दाम और रुपए के बीच का जो सिक्का था, जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2000 और 100 रुपए के नोट के बीच में कौन सा नोट आता है, 500 का नोट आता है। तो ऐसे ही आप जानने की कोशिश करेंगे कि जो दाम, जो आना है वो दाम और रुपए के बीच का है। अकबर के सिक्कों पर मैंने बताया कि जो धार्मिक सहिष्णुता है, जो वो मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा लिबरल था, उसका हमें पता चलता है उसके सिक्कों पर राम, सीता, सूर्य, चंद्रमा की आकृतियों का अंकन हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम जहांगीर की बात करें, जहांगीर के सिक्कों पर हमें उसका जो सिक्के हैं उस पर बेसिकली उसको शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया है। औरंगजेब ने कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। पहले कलमा भी खुदवाया जाता था सिक्कों पर, कुछ कुछ सिक्कों पर, तो औरंगजेब ने बिल्कुल बंद कर दिया था। और उसने जो है बेसिकली मीर अब्दुल बाकी शाहबई एक व्यक्ति हैं, तो उनकी जो जो वो उनकी रचनाएं थी, उनके कुछ कविताएं, उनके कुछ पंक्तियां थी, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था, तो उसका वो अंकन कराता था। तो इस आधार पर हमने देख लिया, काफी कुछ देख लिया, ठीक है, और हमने लगभग सारी चीजों को टच कर लिया है मुगल साम्राज्य की। ठीक है, तो बेसिकली मुगल साम्राज्य की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है आपकी। ठीक है, व्यापार के बारे में भी हमने सब कुछ जिक्र कर लिया है। मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, अभी 2 मिनट बाद मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन ले लूंगा। तो बेसिकली आप लोगों ने क्वेश्चन तो कुछ पूछा नहीं है एज सच, बहुत लोगों ने हाय हेलो ही किया है, कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने, 2 लोगों ने बोला है, एक ने बोला है कि आपने टॉपिक अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अरे हमने मुगल इकोनॉमी तो मुगल अर्थव्यवस्था है ना, तो हिंदी में तो मुगल अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था बोलते हैं बेसिकली, तो हमने हिंदी में, और मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो बेसिकली मेन मेन पॉइंट हैं उसके हेडिंग्स हैं वो मैंने अंग्रेजी में भी लिखने की कोशिश करी है, तो वहाँ से अंग्रेजी में आप देख लीजिए और हिंदी भी, दोनों चीज़ों में लिखा हुआ है जो टॉपिक का हेडिंग्स हैं बेसिकली। तो बेसिकली बहुत लोगों ने नोट्स के लिए बोला हुआ है, तो बेसिकली नोट्स आपके जो आपको SOL से मटेरियल मिला है वही आपके नोट्स हैं। ये मैंने अभी आपको बताने के लिए मैंने एक छोटी सी बेसिकली PDF बना के हैंड रिटन मैंने जल्दी जल्दी आपके लिए तैयार करी थी, जिससे आपको समझ में आए। तो बेसिकली आप इसको देख लीजिए अभी थोड़ी सी टाइम के लिए, जब तक सेशन लॉग आउट नहीं होता है तब तक मैं एक बारी और आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पास अगर नोट करने के लिए कुछ है तो उसके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उसको आप देख लीजिए और उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, मैं एक बार शो कर रहा हूं आपको ये स्टार्टिंग में जो जो टॉपिक हमने कवर कराए हैं इसमें, तो आप देख लीजिए एक बारी। मुगल अर्थव्यवस्था में जो जो हमने चीजों को टच किया है, तो ये जो यहां से लेके आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर से लेके जो जो हमने चीजों को टच किया है, तो ये आप कहीं लिख लीजिए
तो आपको या इसका पिक ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, तो आपको थोड़ा सा ये पता रहेगा फिर, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये पूरा आज खत्म कर लिया है मुगल साम्राज्य, थोड़ा सा मुगल बेसिकली मुगल इकोनॉमी थोड़ा सा और देख लीजिए नीचे, उद्योग धंधे और व्यापार, इसको और देख लीजिए, इसको और आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।